जल्दी जल्दी होने वाला है वो पहले बताओ, ठीक है? जिसमें जिसके पास मतलब कम में चेंजेस हैं या फिर फाइनल कराना है वो लोग सर पहले मेरा बताओ। सीओडीपी के मैं कल आपने कल चेंजेस किए थे तो आप एक वो फाइनल देख लीजिए। ठीक है, तो इन कॉलेज आई जॉइन एन ऑर्गेनाइजेशन इन एक्सेस फेयर आयरन इन प्रोजेक्ट फिजिक्स टू विच वी कुड क्रिएट अ इफेक्ट इन सर एक्सप्लेन सर सीओडीपी का ये आपने एलएसी का देख लिया था? हां ओके ओके नीचे है। वर्किंग अपॉन वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बट वन कॉमन एंड मोस्ट एक्सेप्टेबल फॉर ऑल ऑफ देम aspect of 10 all was full of cognitive the particular was in the body and under the top ठीक है। while working there we faced obstacles in creating awareness due to lack of the cognitive strength lack of mutual support and sense of companionship which made our efforts in empowering them even more challenging this is why I really recorded the building committee that was in committee ठीक है perfect है। Through this course, I am seeking insight into different aspects of the disadvantaged community, including their history, culture, livelihood, socioeconomic condition, and available resources. I want to learn about potential policy intervention and consequently want to be able to effectively act upon the contemporary concern of these communities by creating new communities and strengthening the existing communities. With the learning of this. This course, I seek to convert my children into skills that will prepare me to build communities and safeguard their interests and rights by devising new models. ठीक है, यहाँ पे एक लाइन और जोड़ देना लर्निंग गोल्स में कि डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस ऑन दोज कम्युनिटीज। सर डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस लिखा तो है ये तुमने पॉलिसी इंटरवेंशन लिखे हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से है, फिर अगर अपनी तरफ से करना हो या हम किसी एनजीओ या ऐसे कोई करना चाहते हैं तो उसके लिए लिख दो ना। ठीक है सर। कंसर्न ऑफ कंटेम्प्रेरी कंसर्न, एक काम करते हैं ना, इसमें तीन बार कम्युनिटीज है तो इसको छोटा कर देते हैं। कंसर्न ऑफ दीज कम्युनिटीज concern mobilizing and something for positive तो ये जो स्ट्रेंथनिंग का जो है ना ये वाला पूरा लाइन हट जाएगा। क्रिएटिंग ओके सर। कम्युनिटी विथ मार्जिनलाइज्ड एंड models of development practices। देखो ये लाइन तभी स्ट्रेंथ दिखेगा इसमें जब भी तुम बोलोगे या कोई पढ़ेगा, जब तुम इसके बारे में पढ़ोगे तो थोड़ा अभी 8-10 दिन का टाइम है। यू नीड टू रीड सम केस स्टडीज जहाँ पे इस तरह की प्रैक्टिस मतलब वो डिटेल में लिखा हुआ हो या केस स्टडीज हो, ठीक है? यस सर। ठीक है, यस सर। अब ठीक हो गया।
ठीक है, अब सही है। ओके सर, इसको अपना फिर देख के फाइनल करके सबमिट कर दो। सर एक चीज इसमें मेरे बायो स्केच में एक चीज है, एक बार प्लीज ऊपर जाइए ना स्केच। कहाँ पे? अच्छा एकदम ऊपर है ना। इसमें क्या सर? इसमें ये जो लास्ट लाइन है ना कि Now I aim to establish myself as a catalyst of change. तो आप बीच में इसके पहले एक पैराग्राफ था तो ये उससे रिलेटेड मतलब उसके बाद ये लाइन सही लग रही थी, बट अब आपने वो पैरा हटा दिया तो मतलब मैं इसको कैसे एंड करूं? बस इसी पे मतलब ये लास्ट पैरा तो हॉबीज के बारे में तो ऐसे ही अब रख। हाँ हाँ, कौन सा उसको एंडिंग ऐसा कोई जरूरी थोड़ा ना, बायो स्केच है अभी कंटिन्यूड है। ठीक है सर, so you have entire वो career ahead to write here, तो उसको हम खत्म क्यों करेंगे? ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट बताओ भाई। सर मेरा देखो, मैंने स्केच में थोड़ा चेंज किया, बाकी मेरे को उसमें जो पहला ना व्हाई डू वांट टू जॉइन दिस कोर्स, तो आपने बोला था ओडीसीएल वाले भी काफी लोग आएंगे यहां पे, तो फिर डिस्कस कर लेंगे। हां हां, वो भी आएंगे। एक मिनट, किसी का एकदम जो फाइनल वाला है कोई वो बता दो, जिसका जिसमें और कुछ छेड़छाड़ नहीं करना। सर मेरा कौन सा वाला? सर एमएचए। एमएचए सिमरन। सर तो मैं अब अपना ये फाइनल करके एंड कर दूं ना? हाँ। मतलब कर दूं ना सबमिट? एग्जैक्ट। ओके सर, क्या चेंज किया इसमें सिमरन तुमने? Why this course? मैंने चेंज नहीं किया, बस पढ़ लो। अरे पढ़ तो लिया था लास्ट टाइम। हाँ पहला आप ये बाकी सारे पैराग्राफ ठीक थे, फर्स्ट पैराग्राफ आप बोल रहे थे कुछ मेरे को समझ नहीं आया मैं क्या कर रहा हूँ। क्लैरिटी नहीं आ रही होगी ना, इसलिए मैंने लिखा है कि थोड़ा क्लियर देखो। My interest in healthcare became the dream of becoming doctor. However, with the time I realized it was not nice. I was not inclined enough to pursue an medical aspect. मैंने इसी को बोला था इसको छोटा करने के लिए, मतलब ये मुझे ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट लगा था बोलना कि ये मुझे पता है कि हॉस्पिटल यू नो ऐसा मिथ होता है कि हॉस्पिटल से पैरामेडिक और डॉक्टर ही चलाते हैं, तो वो मिथ मैं डिस्पेल कर सकती हूँ। मैंने ये वाला पॉइंट डिस्पेल नहीं किया था डॉक्टर इन हॉस्पिटल या हेल्थ केयर। ये जो है यहाँ तक जो यहाँ से यहाँ तक है ना, इसको इसको छोटा कर दो। However, time I realizes doctors and paramedics are the not all who belongs to healthcare, या ऐसा करके कुछ लिख दो, या रहने भी दे सकती हो, ऐसा कोई दिक्कत? हाँ मुझे ये बेटर लग रहा है क्योंकि वो फिर पॉइंट वन के मेंशन कर रहे हैं। ठीक है चलो डन है। उसमें जो फर्स्ट वाले में होता है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन 10 ईयर्स वाले में, तो मैंने तो जैसे बहुत स्कूल बदले हैं तो उसमें मैं कौन सा लिखूं? लास्ट वाला। अच्छा, और ये फ्रॉम मंथ एंड ईयर टू, इसमें सिर्फ 10th का ड्यूरेशन लिखना है या फर्स्ट से लेके 10th तक? सिर्फ 10th का। क्या 10th का केवल? सिर्फ 10th का। अच्छा ठीक है ओके सर, मुझे बस इसमें थोड़ा डाउट आ रहा था। ठीक है सर, ठीक है तो आई होप अब एक एक करके अब हम एचआर वाले लोगों का करते हैं। चंद्र तुम्हारा, तुम बोल रहे थे ना अभी? हाँ सर। चंद्र
तो इसमें क्या बात हो रही थी? मैंने बायो स्केच पे थोड़ा काम कर लिया था, बट ये पहला क्वेश्चन है, बोले थे एक बार आप देखोगे थोड़ा क्या करना है इसमें भी। तुम ये एक मिनट, जरा अपने वर्क एक्स के बारे में बताना जो तुमने किया है कंपनी में। हाँ सर, मैंने 15 में ज्वाइन की थी, ये वर्टिव करके इमर्सन और वर्टिव करके कंपनी है, तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हमारा प्लांट है अंबरनाथ में, तो वहाँ पे यूपीएस मैन्युफैक्चरिंग होती है, एक लाइन दो असेंबली लाइन है, तो वहाँ पे यूपीएस टेस्टिंग टीम का मैं पार्ट था। पूरा वो असेंबल होके यूपीएस आता था हम लोग के पास, हमारी टीम होती थी, फिर हम लोग एक पर्टिकुलर यूनिट लेते थे और उसकी टेस्टिंग करते थे, फिजिकल, देन बाकी पैरामीटर्स पूरा, फिर सॉफ्टवेयर अपलोड करना और ये सब, फिर हमारा पूरा हीट रन पे उसको डाल के यूनिट को, फिर तो क्वालिटी चेक। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो कि जैसे वो काम तुम करते थे वो मोस्टली टेक्निकल था नहीं? हाँ सर, टेक्निकल। अच्छा, बट वी मस्ट हैव सीन मतलब एचआर रिलेटेड और मतलब ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड चीजों को तो फील किए होगे ना तुम, क्या हाँ सर, ऑब्जर्व किया था था? सर, जैसे मैंने लिखा उसमें कि एक्चुअली वो था, जैसे जेंडर पैरिटी थी वहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था तो मेल डोमिनेंट था, इवन माय जो हमारे मेंटर थे, मेरे जो बॉस थे, उनको हमने बोला भी था कि गर्ल्स को रिक्रूट कर सकते, बट उनका ऐसा एटीट्यूड था कि नहीं, गर्ल्स हमारे टेस्टिंग में नहीं आ सकती, तो वो मेरे को लगा शायद वो जेंडर पैरिटी में इंक्लूड करना चाहिए। एंड सेकेंड मैंने देखा कि ना वहाँ पे इतना स्किल और डेवलपमेंट पे इतना फोकस नहीं था, ट्रेनिंग बहुत बहुत ही फ्रीक्वेंट नहीं होती थी जो होनी चाहिए थी, अप स्किलिंग के लिए, कि आप लर्निंग के लिए कुछ उनको इंडक्शन या किसी प्रोग्राम में जाए, तो वो मेरे को लैक लगा कि हाँ वहाँ पे और काम हो सकता तो तुम था। ऐसा लिखो कुछ थोड़ा सेफ्टी का कंसर्न बहुत था सर, एक्चुअली एक बार एक इंसिडेंट मुझे याद हुआ था, एक्चुअली हमारे डिफरेंट बे होती है, बे जहाँ से हमारा 3 फेज की वो हाई वो सप्लाई आती थी, तो वहां पे ना इंडिकेटर्स होते हैं रेड कलर के, तो दो तीन चार इंडिकेटर वर्क नहीं कर रहे थे, तो हम लोग लंच पे गए थे और अनफॉर्चुनेटली वो ना लगे हुए थे कनेक्शन, सप्लाई लगी हुई थी यूनिट पूरी, तो जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं ना, उनको लगा चलो हीटर हो गया, वो यूनिट निकालने लग गया, तो वो मशीन गन्स होती है एक्चुअली जिनसे वो ड्रिल करके निकालते हैं सप्लाई को, तो फेस ना वो इंटरेक्ट हो गए थे, तो वहां पे बहुत शॉक, मतलब वो सर क्या होता है, फायर हो गई थी, आग भी लग गई थी काफी, शॉर्ट सर्किट हो गया था बेसिकली, तो एक इंसिडेंट तो मुझे याद है हुआ था उधर ही, तो वो थोड़ा सेफ्टी पर्पस से भी अगर मैं चाहूँ तो कुछ। अच्छा नहीं, सेफ्टी वगैरह तो चलो ठीक है, वो तो है ही। मैं किधर से तुम्हारा वो कनेक्ट करूँ या कनेक्ट नहीं, मतलब कैसे मोटिवेशन दिखाऊँ? तुमने भरा क्यों था बॉडी, जरा ये बताना। क्यों बना था मतलब एक तो पहले तो एग्जाम पैटर्न मैंने देखा, तो उसमें जनरल स्टडीज का था काफी वेटेज, तो मैं सिविल सर्विस से पढ़ रहा था, वो काफी सिमिलर था, और मेरा इंडस्ट्री में रिलेवेंट 3 इयर्स का एक्सपीरियंस था, तो वो, और फिर मुझे लगा ना जैसे मेरा मैन्युफैक्चरिंग फील्ड था, तो जैसे बिफोर दैट ना मैंने फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट किया था, तो वो पीएलसी और स्काडा बेस्ड था, थोड़ा कन्वेयर बेल्ट का कंट्रोलिंग एंड स्टफ मेरे को देखना था, कि हमने कन्वेयर बेल्ट बनाई थी और उसका प्रॉपर ये पीएलसी प्रोग्रामिंग होती है उसके थ्रू उसकी कंट्रोलिंग की थी, बट डिफरेंट सेंसर्स लगा के, कि कब वो ऑटोमेशन काइंड ऑफ थिंग, तो उससे मैं थोड़ा इंस्पायर था कि काइंड की मुझे और ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले, बट ओवर द टाइम पीरियड ऐसा हुआ, स्टार्टिंग एक दो साल सही थे बट काफी स्टेगनेंट हो गई चीजें, आप जा रहे हो सेम रेगुलर वर्क, बहुत लिमिटेड लर्निंग थी, तो इसलिए फिर मैंने वहां से फिर एक्चुअली यूपीएससी के लिए स्विच किया था कि बेटर वे, तो वहां पे हुआ शायद, फिर वहां पे जब ऐसा नहीं लगा तो नाउ
आई थिंक फिर मुझे टिस्क का फिर लगा कि नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी शायद ये होगी ओडीसी लाइक कुछ चेंज ला सकूं विद इन ऑर्गेनाइजेशन में एज अ पार्ट ऑफ इट. तो एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओडी, मतलब ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट से क्या मतलब तुम्हारा? ऑर्गेनाइजेशन इज तो बेसिक वही है कि अ ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग द सेम गोल और काफी थोड़ा स्ट्रक्चर्ड रहता है वे में. और डेवलपमेंट इज लाइक इज अ डेवलपमेंट बेसिकली पॉजिटिव चेंज लाइक ओवर द टाइम पीरियड द एनी ऑर्गेनाइजेशन ना their structure also change like from a small medium to large and to enhance their productivity or efficiency what are the changes required within an organization to enhance their efficiency like to where the, they should target where are their target groups which market they should capture and other stuff and leadership also like quality should they have. Can you tell me, okay, so Sourej, kindly explain in two three minutes why OD is important for India right now, like this course and the objective of this course. Okay, so organization development. सबको बोल देते हैं, सब लोग ध्यान से सुनो and please make a note because I am not recording these classes. ठीक है? तो ऐसा नहीं होगा कि हम upload कर देंगे तो तुम लोग देख लोगे. तो better है कि अभी ही सुन लो ध्यान से. चलो बोलो. So as we all know, change is the only constant, and that change happens almost in any organization, even in our lives. And if we consider groups, there also there are some form of change that is happening. So if organizations leave this change to happen on its own, there is a very good chance that the change might happen in a very bad way or in an unplanned or undesired manner. So in order to make sure that we are able to capitalize and make use of changes by planning ahead and making sure that we thrive in such changing scenarios, we have to have a certain set of knowledge which is dealt with in this subject called ODCL. So organization development is a subject that uses behavioral science knowledge to help the organization overcome planned changes and thereby helping the organizations perform effective in a more effective manner. So yeah, ek minute, thoda sa tum deviate nahi ho gaye or either you have missed the objective of the question. So I did ask why OD and this subject and objective of the subject is important for the organization in India. ठीक है. Okay. पूरा उस perspective पे लेके आना था the question which I mentioned कि इसको इससे क्या फायदा है. इंडिया के रेलेवेंस में बात करना है वो आप बोल रहे हो ना. हाँ एक मिनट जाओ सूरज फिर आया उससे भी पहले एक बार कर लेते हैं. ठीक है. Okay. चलो सूरज स्टार्ट. सर जैसे जॉयल ने बोला वो काफी मोर और लेस काफी अच्छा मतलब काफी रिलेवेंट है इंडिया के पर्सपेक्टिव में भी. जैसे देखा जाए तो सर मैं अपना खुद एक एक्सपीरियंस बताता हूँ. जैसे जिस कंपनी में मैं काम करता था पहले देवर यूज टू मैन्युफैक्चर द कंपोनेंट्स. उसके बाद एक मिनट सुनो, सिंस यू आर टॉकिंग, आंसरिंग अ क्वेश्चन, मेरा पॉइंट क्या है ना कि तुम लोग पता नहीं कुछ ऐसा है कि व्हाइल आंसरिंग यू डोंट क्रिएट अ चार्ट इन योर माइंड. ठीक है. जैसे अगर मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि नेशन के लिए या नेशन के ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंडिया प्रीमियम पर्सपेक्टिव से व्हाई ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स इज इम्पोर्टेंट, तो अगर तुम एक एग्जांपल से स्टार्ट करोगे तो उसको जनरलाइज करने में बहुत टाइम लग जाएगा. लेकिन सर मैं क्या बोलना चाह रहा था कि अगर खुद का एक्सपीरियंस को अगर हम लोग लेके उसको जनरलाइज करें कि ऐसा ही नीड और ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा होगा और एक नेशन को भी चाहिए. हाँ मैं ये क्या कह रहा हूँ कि इसको पहले एक बार पिच क्रिएट कर दो फिर एग्जांपल दे दो. जैसे जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ कि हम सेम क्वेश्चन का आंसर अगर ऐसे करते कि सो विद द एडवेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जैसे ग्लोबलाइजेशन आने के बाद जो इंडियन फर्म्स है जो इंडियन कंपनीज है जो कोर इंडियन कंपनीज है दे आर फेसिंग लॉट ऑफ चैलेंजेस और कॉम्पिटिशन फ्रॉम द MNCs. ठीक है. एक तो वहां से स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट बैकग्राउंड वहां हुआ. दूसरा इंडियन कंपनी इन ऑर्डर टू ग्रो or even for Indian company, you have to expand globally. है ना, एक वहाँ पे भी करेंगे. दूसरा technology जो है it's coming, मतलब it's being used in
big way these days. And the way we were doing business or doing our running our operations, jo earlier jo traditional way tha, ab wo change karke hume bhi technological adaptation karna padega. Chautha jo hai, we always used to have bureaucratic organization. And the modern economy, the modern system, ye needs more flatter organization. So ye charo cheeze jo hai, that requires big organizational change. Within itself or in order to cope up with the or be in sync with the external environment. So is tarah se agar hum pitch banayenge to comprehensive nahi hoga batao matlab theek hai wo tumhara wala aspect tab hota jab hum ek dimension mein baat kar rahe hote but abhi to tumko kai dimension mein bata to apne answer ko comprehensive karna padega tumhe hai na aur is pe to humne do teen bar ye lecture ho gayi na ye cheez कि अब उसमें क्या था जैसे जॉयल के आंसर में क्या था ही वाज राइट इन मेनी वे क्योंकि अल्टीमेटली वी सीक चेंज हम ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का कोई भी गोल लेते हैं तो उसमें हम चेंज ही चाहते हैं बट जनरली हमें केवल चेंज बोलने से वो जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चेंज है ना वो एलोबरेट नहीं हो पाता है ना तो सिंस यू आर एस्पायरिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कोर्स तो आपकी लर्निंग और आपका जो एक्सप्लेनेशन है ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए ठीक है तो राइट डाउन द थिंग्स थ्रू मतलब बाय विच या राइट डाउन द फैक्टर्स व्हिच बेसिकली फोर्सेस ऑर्गेनाइजेशन टू मेक दोस बिग चेंजेस है ना और उसमें तुम किसी किसी पार्ट में यू कैन ब्रिंग योर ऑर्गेनाइजेशनल एग्जांपल ठीक है और अपनी वर्किंग एग्जांपल्स को ठीक है मतलब जॉयल का सर मतलब सब सही था लेकिन बस वो जॉयल का इट वाज वेरी जनरलाइज्ड इन टर्म ऑफ एनी कंट्री और किसी भी जब हमने इंडिया नेशन कर दिया तो हमें इंडियन में के लिए हमें कॉन्टेक्स्टलाइज करना पड़ेगा तो चेंज की जो बात कर रहा था वो टाइप ऑफ चेंज जो इंडिया में है वो दैट विल बी डिफरेंट देन अदर कंपनीज चेंज और अदर नेशंस की जो कंपनी है एनीवे हम एक दो क्वेश्चन और अभी हम इस पे डिस्कस करना चाहते हैं बिफोर क्योंकि जितने लोग भी नए हैं जैसे दीपमाला है दिव्यांशु है ना और भी कुछ कुछ लोग हैं सीखा है और ये शिवाजी है इन लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि जो डिस्कशन हमने पहले किया है व्हिच इज मतलब व्हाई दिस कोर्स इज इंपॉर्टेंट है ना फॉर द नेशन और इवन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन तो वैसे क्वेश्चंस पर हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो इसके बाद द नेक्स्ट एग्जांपल आया कि जैसे अगर हम तुमसे बोलते हैं कि अगर जैसे मान लो कि हम किसी कंपनी में टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं टेक्नोलॉजी के दो एस्पेक्ट्स हैं एक उनके ऑपरेशंस की टेक्नोलॉजी जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और उस सब में जो भी चेंजेस हैं उनके असेंबली लाइन में को ऑटोमेट करना या उसको उसमें नई टेक्नोलॉजी लाना और एक जो टेक्नोलॉजी है वो हमेशा डे टू डे ऑपरेशंस को मैनेजमेंट के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं विच इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसमें हम सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करते हैं ईआरपी सिस्टम डालते हैं तो जब हम एक ईआरपी सिस्टम इंप्लीमेंट करते हैं किसी कंपनी में है ना दैट्स अ बिग चेंज है ना बिकॉज जो ट्रेडिशनल वे ऑफ मैनेजिंग इंफॉर्मेशन और शेयरिंग इंफॉर्मेशन था वो एकदम बदल के इंटीग्रेटेड डेटाबेस के थ्रू इजी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाता है तो इसमें अगर हम पूछें कि क्या क्या चैलेंजेस आता है तो इसमें बताओ क्या बताओगे सर जब भी कोई सपोज मैं अपने एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ अपने वो तुमको गेस ही करना है मतलब वो बिल्कुल वो नहीं करना है कि थ्योरेटिकल बताना है यू कैन जस्ट स्पीक अपने एक्सपीरियंस को या फिर थोड़ा स्टिमुलेट करके विजुलाइज करके भी बोल सकते हो सो सर जब भी कोई चेंज की बात आती है या इंप्लीमेंट की जाती है सो देयर इज अ लॉट ऑफ रिलक्टेंस फ्रॉम द एम्प्लॉई साइड आल्सो उस क्योंकि वो उस चेंज असमाओ से क्या तुम्हारा ना वॉइस बहुत वो है डिस्टर्ब है तो या तो तुम उसको रीलॉग इन कर हां रीकनेक्ट करके या मोबाइल वगैरह से करो तब तक मुझे किसी और से पूछना था चलो सूरज तुम ही बताओ अभी एक्चुअली मुझे क्वेश्चन ही चाहिए क्वेश्चन ये है
कि जब हम किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस चेंज में इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट करने के उसमें क्या चैलेंजेस हम फेस करते हैं, छोटी छोटी चीजें जो भी तुम ऑब्जर्व कर सकते हो सोच सकते हो बताओ। तो पहला तो यही कि हम लोग को जो एम्प्लॉयज हैं जो वो पहले से ओल्ड टेक्नोलॉजी से कंफर्टेबल रहते हैं तो वो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में उनका रेजिस्टेंस रहता है, उनको डर रहता है और वो अडॉप्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। दूसरा मुझे लगता है कि सर जो टेक्नोलॉजी को हम लोग इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं उसके खुद की एक फाइनेंशियल डिमांड्स रहती है, कुछ पैसा लगेगा, कुछ ट्रेनिंग ये रहेगा, तो उसका जो बेनिफिट्स है वो सब हम लोग को पहले ना मैनेजमेंट को क्लियरली मतलब एक्सप्लेन करना पड़ता है कि मतलब क्या उसके एडवांटेजेस रहेंगे, कितना वो उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलेगा। मुझे एक लगता है वो एक चैलेंजेस रहता है कि मैनेजमेंट को ये चीज़ अंडरस्टैंड कराना, अगर वो पहले से अंडरस्टैंड कर गए हैं तो फिर भी एक डाउट रहता है कि क्या वो उतना रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा, तो उसको कंफर्टेबल बनाना। तीसरा मुझे लगता है कि सर कि मुझे ये दो ही मेरे दिमाग में आ पा रहा है, तीसरा महसूस नहीं कर रहा। और पूछो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या रहेगा, जो भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे ना उसका बेसिकली लॉन्ग टर्म इंपैक्ट कितना रहेगा, कब तक सस्टेन कर सकता है, लाइक जैसे टेक्नोलॉजी बहुत तो वो तो देखो वो है कि डिसीजन लेने के पीछे जो थॉट प्रोसेस है ना तुम उस पे ज्यादा बता रहे हो, हमने डिसीजन ले लिया, नाउ व्हाट विल व्हाट चैलेंज आई विल फेस। सर मैं कैन आई स्पीक? हां बोलो बोलो। हाँ सर, जैसे इंफॉर्मेशन सिस्टम। नाम क्या है तुम्हारा पहले बताओ? सर काजल। काजल अपना नाम क्यों नहीं लिखती है? रेडमी पढ़ू मैं अब तुम्हें? सॉरी सर, अगली बार। सर जैसे इंफॉर्मेशन सिस्टम इंड्यूस करते टाइम चैलेंजेस एक हो सकता है, जैसे कि अगर एचआर के पास में एम्प्लॉयज के कुछ कोड आ रहे हैं जैसे 001 002 और अगर किसी और जगह पे मतलब कोई और डिपार्टमेंट में अगर सेम इन्फॉर्मेशन जैसे अगर 00 से स्टार्ट है तो उसके बाद में मैं समझ गया, मतलब वो तो तुमने ये कह दिया ना कि जो एक ही रिसोर्स है दो अलग अलग जगह दो कोडिंग में, तो ये एक चैलेंज हो सकता है। वो तो टेक्निकल चैलेंज है, ठीक है। लेट्स बी इनटू द जोन ऑफ आवर सब्जेक्ट, है ना, एचआर एंड ओडी बेस्ड क्या चैलेंज हो सकते हैं। एंड सूरज वाज मतलब सूरज का एक ही जवाब हमको बहुत बढ़िया लगा कि भाई वो तो वो लेकिन बहुत ऑब्वियस है कि मतलब उसके लिए आपको एम्प्लॉई जो है उनको अडेप्ट कराने में प्रॉब्लम होगी बिकॉज देयर विल बी अ रेजिस्टेंस, ठीक है। और क्या सोच सकते हो चैलेंज? सर ये जो भी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन लेके आते हैं एसोसिएटेड विद इट देयर वुड बी अ लर्निंग कर्व, सो मेकिंग श्योर दैट द पीपल हु आर ट्रेनिंग आर वेल इक्विप्ड एंड नो टू हैंडल दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग स्मूथली। हाँ और मतलब इसी में थोड़ा थोड़ा सोचना ही पड़ेगा तुम्हें, मतलब द एंटायर क्वेश्चन आंसर इज बेस्ड ऑन कि कुछ भी नहीं दिख रहा है तब भी थोड़ा कोशिश करो देखने की और सोचो। Creating new habits would be the next challenge. People are accustomed to their old ways of working and it is very well, it is deep seated in their culture. So making sure it is this new practice becomes part of the culture. So adding basically new habits into the system. ठीक है, ये भी ठीक है। और क्या कोई बोल रहा है? मुझे भी ऐसा लगता है जो ट्रांजिशन पीरियड रहेगा ना जो नया ओल्ड टेक्नोलॉजी न्यू टेक्नोलॉजी वो इतना स्मूथ होना चाहिए कि उन लोग को इतना मतलब उनको जो इनकी इनसिक्योरिटीज है उससे ज़्यादा वो जो लर्निंग का जो प्रोसेस है ना वो ज़्यादा फैसिनेट करना चाहिए उनको। हाँ सर, मेनली बेसिकली अवेयरनेस पार्ट पे और थोड़ा ट्रेनिंग पार्ट पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए बिफोर इम्प्लीमेंटिंग अ न्यू सिस्टम। अच्छा तुम लोगों को मैंने एक दिन बहुत पहले बोला था, जो नए बच्चे हैं उनको तो नहीं डांटेंगे हम, बहुत पहले मैं बोला था कि रिसेंट टाइम्स में जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस जो मतलब बिकॉज ऑफ देयर मतलब रेजिस्टेंस एंड दे कुड नॉट चेंज देयर प्रैक्टिसेस ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिसेस एंड उसके बाद वो बंद हो गए, तो ऐसे ही कुछ ऑर्गेनाइजेशन की केस स्टडीज निकाल के रखो, किसी ने उसको वो किया है, कोशिश किया है, तो फाइंड आउट दोज ऑर्गेनाइजेशंस।
नहीं किया होगा तुम लोगों ने सर, जैसे MTNL और BSNL के साथ हुआ वैसा कुछ? हाँ चलो MTNL के केस क्या बोलो उसमें कुछ? सर मैं थोड़ा बहुत पढ़ा, मुझे ज्यादा पता नहीं है। एक्चुअली थोड़ा बहुत बोलो ना, मतलब कि व्हाट डू यू सी, मतलब फेलियर ऑफ BSNL में ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव के क्या रीजंस हो सकते हैं? थ्रू बेटर सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पाए आई थिंक, जैसे जो प्राइवेट प्लेयर्स थे ना वो लोग ने कम चीप रेट पे अच्छा सर्विस प्रोवाइड किया। नहीं ये तो तुम्हारा, तुम कस्टमर एंड से बोल रहे हो ना, कस्टमर एंड को समझते हुए बोल रहे हो। मैं बोल रहा हूँ ये ऑर्गेनाइजेशनल एंड पे क्या रहा होगा, क्योंकि इवन इवन टू प्रोवाइड जैसे बेटर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को कैसे होना चाहिए था? मैनेजमेंट वाज नॉट रिस्पोंसिव टू द एक्सटर्नल चेंजेस। हां मतलब वो कैसे, मतलब वो फील करवाओ थोड़ा। सर टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं किया सो दैट चेंज आ जाए? नहीं टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं किया एक तो वो रीजन है ना, टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं करने का रीजन क्या है सर? बेसिकली जब बाकी ये मतलब तुम एक मिनट ये वाले क्वेश्चन समझ रहे हो ना, किसी ने मुझे बोला कि टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं किया, मैं बोला वो तो रीजन है बट उसके पीछे का क्या रीजन है, मतलब ओडी बेस्ड रीजन वो टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं होने के पीछे क्या है कि वी वर नॉट रीडिंग एनफ अबाउट द कॉम्पिटिशन और द इन्वायरमेंट, है ना? लैक ऑफ एनालिसिस मतलब सर नीड की जरूरत नहीं लगी उनको जस्ट बिकॉज, या आपका पॉइंट अगर ऐड कर दे तो they were not aware मतलब ये नहीं होने का, they were not aware होने का क्या रीजन है? यहाँ तक ठीक है, जैसे तुमने बोला टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं किया उसके पीछे का रीजन तुमने बताया कि they were not aware, अब they were not aware होने का पीछे का रीजन क्या है? उन्हें नीड नहीं लगी, उन्हें लगा कि जो ओल्ड सिस्टम है वो सफाई। तुम ये कह रही हो, ये वाला जो पॉइंट है ये बेसिकली तुम बोल रहे हो they were aware बट उनको लगा कि इसकी जरूरत नहीं है, बट योर प्रीवियस लाइन वाज दे वेयर नॉट अवेयर्ड, तो दे वेयर नॉट अवेयर्ड का क्या रीजन है हम ये पूछते हैं। सर वो बाहर के कंपटीशन को नहीं देख रहे होंगे या दे वर जस्ट वेरी कंफर्टेबल? जो इसके पीछे किसके क्या रीजन है? दे वेयर नॉट अवेयर है ना, दैट्स व्हाई दे वेयर नॉट। सर क्योंकि मेरे को लगता है कि उन्होंने फ्यूचर प्लानिंग इतना अच्छा नहीं किया बिजनेस को ग्रो करने के लिए, और इसलिए वो लोग उस चीज को एस्टिमेट नहीं कर पाए कि ये फ्यूचर में ये सब चेंजेस आएंगे, और इसीलिए उन्होंने अपने बिजनेस स्ट्रेटजी में ये भी उसी चीज को तुम दूसरे तरीके से रख रहे हो, पर इसके भी स्ट्रेटजी सर इन्वेस्टमेंट ना उनके पास इतनी फंडिंग ना बेसिकली। नहीं नहीं फंडिंग तो बहुत है, स्ट्रेटजी एक एचआर अच्छा नहीं था, वो रिसोर्सेज और अपने जो भी एम्प्लॉइज है उनको इतने अच्छे से ट्रेन नहीं कर पाए जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी। तो इसके पीछे क्या रीजन? प्रॉपर प्लानिंग नहीं किया होगा उन्होंने, और क्या उसी के पीछे क्या रीजन? उनका हेजिटेटिंग टू अडॉप्ट द न्यू चेंज, विजन माइंडसेट नहीं रहा होगा कि ग्रो करना है उतना ज्यादा, ग्लोबलाइजेशन विजन क्लियर नहीं होगा उनका फ्यूचर को लेकर, क्या उनको इंसेंटिव नहीं था ग्रो करने का बिकॉज दे आर बेसिकली बीइंग फंडेड बाय द गवर्नमेंट एंड बाकियों को if they don't make sure they continue to keep on growing their business, all of them would basically die out, whereas MTNL is not in that kind of an existential status, usko anyways government se funding milta hai. So matlab wo bahut upar ka reason ho gaya ki ha matlab existential crisis nahi unhone feel kiya hoga, but iske piche ek tumko agar organization behavior based batana padega तो उसमें तुम्हें ऐसे बताना चाहिए कि वी वर फेल टू क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन विच सीज प्रोग्रेसिवली, उसमें किसी एचआर का प्रॉब्लम नहीं है, उसमें किसी आदमी की प्रॉब्लम नहीं है, उसमें किसी बिजनेस हेड का प्रॉब्लम नहीं है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन के नेचर की प्रॉब्लम है। तो समटाइम्स व्हेन वी सी या हम लोग बोलते हैं कि ये आदमी हेड है तो इसने नहीं किया, ऐसा नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन इज डिफरेंट देन इट्स पीपल, मतलब किसी एक इंडिविजुअल से ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है। जैसे मान लो कि अगर मैं किसी कंपनी का बॉस हूँ एंड इफ आई एम प्रोग्रेसिव दैट डजंट मीन माय ऑर्गेनाइजेशन विल बी प्रोग्रेसिव, सो टू क्रिएट अ नेचर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इट टेक्स अ बिग जॉब, है ना, वो तुमको एक आदमी को चेंज करके नहीं आएगा, उसको ऑर्गेनाइजेशन को एक तुम ऑर्गेनिज्म की तरह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह तुम्हें फील करना पड़ेगा, and then you can work for its characteristics or nature.
तो व्हेन अगर अगर बीएसएनएल शुरू से ही उस तरीके से इवॉल्व किया जाता है एज एन ऑर्गेनाइजेशन इन अ प्रोग्रेसिव वे सो दैट दे कुड हैव ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू द कंपटीशन एंड द एक्सटर्नल चेंजेस एंड द एनवायरनमेंट एंड ग्रोथ वुड हैव बीन एन इनहेरिटेड नेचर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन तो ये प्रॉब्लम नहीं आती. तो जितने भी तुमने प्रॉब्लम्स काउंट किए वो सब नहीं आता है ना. तो अब इसके पीछे ऐसा नहीं है कि किसी एक आदमी का हाथ है या किसी एक उसमें, वो पूरा ये है कि क्योंकि ऐसा थोड़ी ना है कि बीएसएनएल ने कभी ओडी पे काम नहीं किया होगा, ऐसा भी नहीं है कि बीएसएनएल कंपनी में कभी एचआर नहीं रहा होगा, है ना. ऐसा भी नहीं है कि कभी एम्प्लॉय की ट्रेनिंग नहीं हुई होगी अबाउट द चेंजेस, बट समहाउ डिस्पाइट दे डिड एवरीथिंग है ना, बट ऑर्गेनाइजेशन नेवर हैड दैट इंट्रेंसिक नेचर और नीदर कुड डेवलप दैट इंट्रेंसिक नेचर टू बी अलाइन और कीप अलाइन्ड for the changes which is happening after the beyond the organizer and keeping themselves progressive hai na in that way. to wo jo tum jaise aadmi ko organizer samajhte ho ya organizer is group of people samajhte ho theek hai usme koi problem nahi hai us definition mein, but all those people together hai na matlab individually cannot be called organizer. organizer itself is a kind of living organism which has a certain nature and characteristics with it. ठीक है, तो जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, जैसे मान लो कि when you go to any organization and when you try to judge or try to assess या measure the organizational potentials की क्या है, तो आप किसी एक आदमी से नहीं पूछते हो कि तुम्हारा सोच क्या है. You just see how much or what organization had been able to do, है ना. अब तुमको अगर काम करना होगा वहां पे, जैसे मान लो कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन पे यू वांट टू वर्क एंड यू वांट टू मेक दैट ऑर्गेनाइजेशन इतना फ्लेक्सिबल और एडेप्टेबल सो दैट इजीली दे कैन कोप अप विद द एक्सटर्नल चेंज. अब वो फ्लेक्सिबिलिटी का फैक्टर कहाँ से आता है, है ना, इन व्हाट प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन का अपने इंटरनल प्रोसेस क्या है, इंफॉर्मेशन फ्लो का या पावर फ्लो का, है ना, या फिर चेन ऑफ कमांड का, ये सब जो जो स्ट्रक्चर है उसको समझते हुए उसमें तुम्हें कहाँ ब्रेक करना पड़ेगा, whether you need to make it flat or not, है ना, bureaucratic का कितना component कम करना पड़ेगा. so lot many things is there to study and to know. ठीक है, अब point आता है कि हम लोग जब BSNL की बात कर रहे थे, है ना, एक example किसी ने BSNL का दिया था उसके कारण हमारी ये सारी बातें हो गई, but मेरा point ये था कि when we see कि BSNL मतलब companies like BSNL इतनी बड़ी company and there were lot many other companies which in recent times है ना got obsolete, है ना, और या फिर बड़े कॉम्पिटिशन के सामने वो टिक नहीं पाए इंडियन ऑर्गेनाइजेशन. तो ऐसा नहीं है कि उनके पास रिसोर्स की कमी है या डिसीजन नहीं ले पाए या फिर लोगों ने ऐसा नहीं सोच पाए या फिर तुम ऐसे जेनरिक एरर जो बताते हो समहाउ उसका जो इन जो जेनेसिस है या जो उसका जो वेंटेज पॉइंट है, मतलब वेंटेज पॉइंट जहाँ से वो स्टार्ट होता है, वो उस समय स्टार्ट हो जाता है जिस समय हम ऑर्गेनाइजेशन की फिलोसफी या ऑर्गेनाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को क्रिएट करते हैं, है ना. तो अब जैसे लोग बोलते हैं कि जैसे कोई स्टार्टअप है तो उसको उसी टाइम से यू नीड टू डेवलप इट्स ऑर्गेनाइजेशनल फिलॉसफी, है ना, कि व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन दे वांट टू बी इवन इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज 1% ऑर्गेनाइज. ठीक है, कभी हमने बोला था कि व्हेन विल एन स्टार्टअप स्टार्ट हैविंग एन एचआर रोल, तो किसी ने बिल्कुल सही जवाब दिया था कि वो अकेला भी है तो सोच सकता है. Because he will be getting, और किसी ने बोला था कि जब भी वो पहला employee hire करता है तब से वो सोच सकता है ना. तो फिर किसी ने बोला था कि certain number के बाद भी need to keep an HR. But the organizational thought और HR related thoughts जो है वो आपको 1% आदमी भी सोच सकता है. तो वहीं से you start creating a characteristic for an organization जिसमें आप हर वो बंदा आता है तो वो sync होता जाता है with the same role and objective, है ना, with it. तो अब जो हमारी organizations obsolete हो रही हैं, अब उसको अगर हम सेफगार्ड करना चाहते हैं बिकॉज फॉर इकोनॉमी, अभी रिसेंट टाइम्स में तुमने ये भी पढ़ा लिखा होगा कि वी आर नाउ क्रेडल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, है ना, द इंडियन इकोनॉमी इज नाउ क्रेडल, बोलते हैं ना झूला को, गोद क्या बोलते हैं, हाँ सर क्रेडल, क्रेडल ऑफ ये न्यू स्टार्टअप्स, है ना, क्रेडल ऑफ स्टार्टअप्स. तो इस ऐसे केसेस में व्हेन अ स्टार्टअप इज ग्रोइंग, है ना, थोड़े बड़े होते हैं 30-40 लोगों का होता है, and if at that time they are not putting their efforts in their organizational characteristics or nature or
फिलोसफी पे अगर वो एफर्ट नहीं डालते हैं और सिर्फ एचआर को एचआर की तरह ट्रीट करते हैं कि एम्प्लॉई हायरिंग से लेके अच्छे रिसोर्स हम हायर कर लें, उसको सैलरी दें, कंपनसेशन करें, वर्क लाइफ बैलेंस दें, उस पर केवल हम क्या बोलते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के, ये सब एचआर के रोल्स हैं, तो ये केवल ये सब हम करते हैं और वी आर नॉट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, कि ऑर्गेनाइजेशन जो है फ्लेक्सिबल रहे, ऑर्गेनाइजेशन इन इटसेल्फ एज एन ऑर्गेनिज्म शुड स्ट्राइव टू प्रोग्रेस, स्ट्राइव फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट. तो अगर हम उस परस्पेक्टिव से हम नहीं ध्यान देते हैं और एचआर बहुत अच्छा भी रखते हैं, देन स्टिल देयर विल बी अ चांस ऑफ कि आगे चल के उस ऑर्गेनाइजेशन की जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो डेवलप होगी, जो फिलोसफी डेवलप होगी, जो उसका स्ट्रेंथ डेवलप होगा, दैट विल नॉट बी एनफ टू कोप अप विद द चेंज और कोप अप विद द कॉम्पिटिशन. ठीक है, तो अभी तुम थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो कि कहाँ पे एचआर से हम डिफरेंट हो जाते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट ओडी. ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को? बोलो, कोई तो बोलो. एक बार रिपीट करेंगे? यस सर, रिपीट करते हैं. चलो हम एकदम स्पेसिफिक एग्जांपल जो लास्ट में हम लेके बोले हम उसी से लेकर रिपीट करते हैं. तो मेरा जो लास्ट हम जो पैराग्राफ हम ये बोल रहे थे कि व्हेन एन स्टार्टअप ग्रोस, है ना, और जब 30-35 लोगों का स्टार्टअप हो जाता है, तो आपको लगता है कि दिस इज द राइट टाइम टू हैव अ एचआर, है ना, एचआर पॉलिसी क्रिएट करना है, है ना, और एचआर का काम क्या होगा, टू स्ट्रक्चर द ऑर्गेनाइजेशन इन अ वे कि जैसे मतलब सबका केआरए डिफाइन हो, सबका रोल डिफाइन हो, और जो भी मैन पावर की रिक्रूटमेंट हो एचआर के पास जाए, फिर एचआर जो है उसके थ्रू एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस डेवलप करेगा जिसमें लॉट मेनी गुड कैंडिडेट विल गेट इन, और फिर अपने सिलेक्शन प्रोसेस वो करेंगे, फिर वो सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू एम्प्लॉय सेलेक्ट होगा, एंड फॉर ऑल दोज एम्प्लॉय एचआर विल आल्सो क्रिएट द सैलरी एंड देयर जो भी उनके पीएफटीएफ का काम हो, सारा जो एचआर जर्नलिस्ट का काम है सारा काम करेगा. एचआर विल आल्सो टेक केयर ऑफ देयर वर्क लाइफ बैलेंस, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, वीकली पार्टी, नॉट पार्टी मतलब एक होता है ना कि फन और जो भी एक्टिविटी. तो ये सारी एचआर की अच्छी चीजें हम कर रहे हैं, है ना, वी आर कंडक्टिंग ऑल द एचआर प्रोसेस रेगुलरली, हम उसको उसमें इंड्यूस कर चुके हैं, बट वी आर नॉट मेजरिंग आवर ऑर्गेनाइजेशन जो 30 लोगों का ये ऑर्गेनाइजेशन है, एंड वी आर नॉट विजुलाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन एज एन लिविंग ऑर्गेनिज्म और एक ऑर्गेनाइजेशन इन इटसेल्फ, मतलब वो जो कि 30 लोगों से अलग उसको हमको देखना है. सो इफ आर नॉट विजुलाइजिंग आवर ऑर्गेनाइजेशन इन दैट वे कि वॉट एग्जैक्टली आवर ऑर्गेनाइजेशन थिंक्स, मतलब ठीक है वो इंडिविजुअल के सोचने से अलग हो सकता है, वो प्रोमोटर के भी सोच से अलग हो सकता है. अब तुम बोलोगे इसको कैसे विजुलाइज करेंगे, ठीक है इसको मेजर करने का कोई तरीका नहीं है, यू डोंट हैव दैट ईयर टू लिसन दैट आल्सो, वो सुनने का भी तरीका नहीं है, बट ग्रेजुअली यू विल फाइंड कि अगर विजुलाइज किया जाए या उस पर थोड़ा रिसर्च किया जाए या फिर उस तरीके से देखा जाए, तो यू कैन सी कि हाउ द ऑर्गेनाइजेशन इज स्ट्राइविंग फॉर गोल्स, how the organization is organization, what kind of characteristics that organization has developed. जैसे तुम HR के through information के channel describe कर सकते हो कि ये आदमी इसको information देगा ये है, लेकिन HR के through तुम grievances के channel नहीं decide कर सकते. जो grievances के channels हैं, that is the organizational hidden characteristics that itself का, तो उस पर भी control रखना हमारा वो बनता है. तो जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइजेशन की तरह सोचना और उस तरीके से उस पर काम करना, दिस इज व्हाट वी डू इन ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट. ठीक है, इसमें तुम्हें लोगों के बिहेवियरल साइकी का, टीम के ग्रुप साइकी का, है ना, जो इंडिविजुअल फिलोसफी, लीडरशिप मेंटेनेंस, मैनेजमेंट, ये सब चीजों को करते हुए तुम वो वाले गोल्स अचीव करोगे. तो पॉइंट ये है कि ठीक है तुम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो, ओके, है ना, तो मे भी बोल सकते हो कि सॉरी वी आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन दिस कैरेक्टर, नो बडी विल बी एबल टू एक्सप्लेन दिस कैरेक्टर वो क्या बोलते हैं प्रॉपरली, बिकॉज अगर ऐसा होता तो आप किताब पढ़ के सीख गए होते. तो होता क्या है कि सिंस वाई दिस कोर्स हैज आस्क्ड फॉर मिनिमम 2 ईयर फॉर किस, बिकॉज यू नीड टू हैव अ सर्टेन सेंस ऑफ मैच्योरिटी टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, और इवन दैट इवन बाई रीडिंग द बुक्स और इन लिसनिंग अ लेक्चर, बाई लिसनिंग अ लेक्चर यू कैन नॉट अंडरस्टैंड ऑल in exactly same picture through by which matlab jo actually the book is trying to convey or the teacher is trying to convey, to thoda bahut nahi samajh raha usme koi baat nahi hai, but my point is ki ek distinction jo hai jo hr organization development mein wo tumko feel karna padega. so how many of you
अंडरस्टूड व्हाट आई एम टॉकिंग, है ना, वो एक डिफरेंस तुम फील कर पाए? यस सर, बोलो सर, है ना। तो जब हम कभी भी किसी रीजन को हमने बोला कि ओबी या ओडी के पर्सपेक्टिव से बोलो कि इसमें क्या कमी है, तो तुमको उसी रीजन उसी उसमें बोलना पड़ेगा। अल्दो ऐसा नहीं है कि स्ट्रेटजी का कोई रोल नहीं रहता है ऑब्सोलीट होने में, कि स्ट्रेटजी सही नहीं बन पाई, या फिर ऐसा नहीं रहता है कि ऑपरेशंस का कोई रोल नहीं रहता है, बट ऑपरेशंस या स्ट्रेटजी इन इटसेल्फ, मतलब वो भी जो है ऑर्गेनाइजेशन के थॉट प्रोसेस से मैच करता हुआ होता है। मतलब इवन जो ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरह का हम कल्चर, जिस तरह के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ को हम डेवलप कर रहे हैं, उस पे भी बेस्ड होता है व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटजी वी विल बी क्रिएटिंग। ठीक है, अब ये चीज तुम हम ऐसे भी फील करते हैं, जैसे देखो आई एम रनिंग अ सिस्टम इन विच 6 to 7 पीपल आर देयर। ठीक है, इवन आई डू सी कि डिस्पाइट आई एम द हेड डिसीजन मेकर, आई एम नॉट एबल टू बिल्ड दैट कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, विच आई एक्चुअली वॉन्ट इन माई ऑर्गेनाइजेशन। मेरी बात समझ आ रही है क्या कह रहा हूँ तुम्हें? जो जैसे मान लो कि मेरे पास कितने फैकल्टीज हैं, स्टाफ हैं, कंटेंट का काम करते हैं, सब चीज है, फ्रीलांसर्स भी हैं, बट समहाउ द काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आई विजुलाइज इन माई माइंड कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन की ये स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ये स्ट्राइव करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन इस चीज के लिए, एक्सीलेंस के लिए, क्वालिटी के लिए, बट समहाउ वी आर आई एम नॉट एबल टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ इन माई ऑर्गेनाइजेशन। हम इंडिविजुअल भी बात कर ले रहे हैं, हम एचआर पॉलिसी बहुत अच्छा रख रहे हैं, All my people जो हमारे साथ जुड़े हैं, they are very happy, but still I'm not able to do that. So with the HR perspective, with the strategic perspective, with the team effort perspective, it's all okay. You know, there is no reason to get worried. But with the organizational perspective, I still lack, and that's why I'm not thinking to expanding it. You know, मतलब वो expansion से डर लगता है, because अभी 5 लोग हैं तो ये problem है, 10-15 हो जाएंगे, I'll not able to bind it or keep it intact, समझ रहे हो ना? फिर अगर हम HR के through ही organization बढ़ाएंगे तो बहुत largely build होगा, समझ रहे हो? तो organization को एक complete skeleton समझकर, उसको एक living organism समझकर जब आप काम करते हो तो वो बहुत important है यहाँ पे, and that's a very different part then, और थोड़ा upgraded part of HR हो गया। So now you see, जैसे अगर मैं मान लो कि तुम अभी क्या हुआ कि जैसे जिसको हमने बुलाया था क्या बोलते हैं लेक्चर के लिए, क्या नाम था उसका, सामुई, एंड देयर वाज वन मोर स्टूडेंट, उसका नाम था कवि, ऐसा कुछ नाम था। सो व्हेन ही केम टू माय सेंटर, तो मैंने उसको बोला कि जैसे ये हमारा ऐसा सिचुएशन है, एंड नाउ आई वांट टू गेट सम ओडी इंटरवेंशन। सो व्हाट ही टोल्ड मी दैट, मतलब कि हम लोगों का जो स्टडीज है, मतलब उसका जो स्टडी है जो कॉलेज में पढ़ा, सो वी नेवर talked and discussed these problems for such a small scale organization. मतलब छोटे organization पे हम लोग crystal level पे, sorry crystal नहीं, nano level पे आके हमने discuss नहीं किया. So it's very difficult to visualize any interventions. तो हमने बोला कि फिर तुम why don't you try to learn or try to devise or at least उस perspective पे हम small organization के लिए भी सोच सकते हैं. तो उसने बोला कि ठीक है सर, ये तो बहुत अच्छा idea है, बट अगेन मतलब when you get a job or when you finish the, आपके पास कॉलेज होता है तो आप कॉलेज के भी काम में बिजी हो जाते हो, और अब फिर आपको जॉब मिलता है तो जॉब ही आपकी प्रायोरिटी हो जाती है। बट पॉइंट इज कि देयर इज अ नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल थिंकिंग, है ना, डेवलप ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट बेस्ड थिंकिंग, है ना, डिस्पाइट ऑल दोस गुड एच आर प्रैक्टिस यू हैव। ये बात समझ में आ रही है तुम लोगों? सूरज बोलो। सर, एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर शुरू से ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट वाला पर्सपेक्टिव रहेगा तो वो ग्रो करेगा उस तरह से जैसे उसको, मतलब जैसे उसका विजन है, राइट? और आप कह रहे हैं कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि मतलब कुछ कर रहा है, हाउएवर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, तो उस स्टेज पे उसको ओडी इंटरवेंशन की जरूरत होगी, राइट? हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है कि शुरू से जो कर रहा है उसको नहीं जरूरत होगी, क्योंकि डिफरेंट स्टेजेस पे ओडी के ऑब्जेक्टिव्स अलग हो जाते हैं, एंड विथ ग्रोइंग नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ओडी का रिलेवेंस भी बढ़ता जाता है, बिकॉज बाइंडिंग देम एंड कीपिंग देम इन सिंक विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, है ना। हम एचआर में भी पढ़ते हैं कि हमें लोगों को ऑर्गेनाइजेशनल गोल में रखना है, बट एचआर की विजुअलाइजेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनिज्म पे नहीं होती, वो मोर ऑफ मैकेनिज्म पे होती है, बाय
by which the entire department and manpower is being managed. ठीक है, तो हम इसीलिए we need to discuss or think OD in a different perspective than HR. ठीक है, right. Even though HR might be functioning properly and individuals might be satisfied, however, the organization might not be heading in a way that it wants to head or exactly. It should be heading. बिल्कुल exactly in the same word I told. Right. है ना? तो मतलब even with a very good HR, है ना, HR team, you still need to have that organizational thinking. अब point मेरा ये आता है कि आज तक है ना ये कोर्स तो हमेशा से एग्जिस्ट नहीं करता था, तो ऐसा नहीं है कि आज तक हम इस पे काम नहीं करते थे. ठीक है, हम करते हैं, बट इट वाज रोल ऑफ द एचआर पीपल ओनली जो इस तरीके से नहीं सोचते हैं. ठीक है, मतलब जो मैच्योर्ड एचआर पर्सन है, जो जिन लोगों की थोड़ी समझ और समझदारी और इंटेलेक्ट मैच्योरिटी बढ़ जाती है, लेकिन थिंक इन दिस डायरेक्शन. तो पहले क्या था कि जो एचआर के लोग हैं दे देमसेल्फ गेट ट्रेंड, उन्हीं में से कुछ लोग ट्रेन होके they shift to this organizational role. ठीक है, और जो organizational development वाली जो वो होती है consulting companies होती थी, वो क्या करती थी कि अपने यहाँ किसी HR वाले को ही 2 महीने 1 महीने 6 महीने का training वगैरह दिलवा के, है ना, OD techniques का और intervention techniques का training दिलवा के they claim them to be कि ये जो है ये हमारा OD consultant है. But point is कि अब इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, because अब ज़्यादा क्यों ज़रूरत है, इसलिए ज्यादा जरूरत है कि पहले चेंजेस बहुत स्लो होते थे, मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बहुत धीरे धीरे चेंज होता था. एक बार आपकी कंपनी स्टेबल हो गई तो 10-15 साल तक कोई उसको हिला नहीं पाता. ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट और सर्विस पहले का जो प्रोडक्ट लाइफलाइन था, है ना, वो बड़ा होता था, उसकी मैच्योरिटी हर फेज जो है वो बड़ी होती थी, उसका ग्रोइंग फेज भी थोड़ा बड़ा होता था, उसकी मैच्योरिटी फेज भी बड़ी होती थी और डिक्लाइनिंग फेज भी बड़ा होता था. अभी के प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है वो बहुत स्मॉल स्केल में होता है, वो बिल्कुल कोरोना के टाइप में होता है कई सारे का, तो 4 महीने के अंदर प्रोडक्ट लॉन्च होता है एंड इट गोज टू द पीक ऑफ इट्स रेवेन्यू और अगली बार फिर वो डिक्लाइन पे चला जाता है. तुम देखोगे कि अभी जैसे फोन ओन का मार्केट है, पहले गाड़ियों में देखो ना, पहले गाड़ियों का मॉडल लॉन्च होता था तो 20 साल 25 साल 30 साल तक एक मॉडल चलता रहता था. ठीक है, अभी जो है गाड़ियाँ जो है कई सारे मॉडल जो है 10 साल में बंद हो जाती है, है ना, और इनको फेसलिफ्ट लेके आना पड़ता है इफ दे डोंट वांट टू, मतलब होता है ना कि नई ब्रांड नेम को नहीं इंट्रोड्यूस करना चाहते बट स्टिल दे वांट टू चेंज इन बिग वे, तो फेसलिफ्ट लेके आते. पहले इस तरह का बहुत कल्चर नहीं था. तो अभी क्या है कि जैसे मोबाइल मार्केट देखो, कोई भी कंपनी कोई भी नया मोबाइल का प्रोडक्ट लॉन्च करती है वो मुश्किल से 5-6 महीने का प्रोजेक्ट होता है, है ना. तो ऐसा भी नहीं कि तुम उस पर मुझे क्वेश्चन करो कि नहीं सर कभी कभी बड़ा होता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, वो कि किसी किसी मॉडल की बात नहीं कर रहा, बट व्हाट आई एम टेलिंग यू कि अभी जो चेंजेस हैं वो इतने फ्रीक्वेंट हैं एंड सेम टाइम जो इंटरनल प्रोसेसेस हैं कंपनी की जो मतलब वर्किंग मेथोडोलॉजी है वो बार बार चेंज हो रही हैं. लोग जो है एक जगह पे सारी चीजें नहीं रखते, वो MNC की तरह काम करते हैं, वो अपने सप्लाई चेन को डिस्क्रीट लोकेशन पे रखते हैं, है ना. एंड अगेन दूसरा क्या है कि आपकी कंपनी अकेला सारा काम नहीं करती, इट इज डिपेंडेंट अपॉन एन नंबर ऑफ अदर कंपनीज, कभी डिस्ट्रीब्यूटर है. तो ऐसे जो आपके कंपनी का जो काम है वो इतना डाइवर्सिफाइड हो जाता है, इतना ज़्यादा वैरीड लेवल पे अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके का हो जाता है. मैन पावर की जो इन्वॉल्वमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट तरह की होती है, तो मार्केटिंग वाला बहुत डिफरेंट सा दिखता है HR वाले से और मतलब फाइनेंस वाले से, बट स्टिल दे हैव टू बी एंड दे हैव टू मेक कीप देमसेल्फ इंटीग्रेटेड बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन तो ऑर्गेनाइजेशन है. तो आज के टाइम में ऑर्गेनाइजेशन का और ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट वाले लोगों का ज़्यादा डिमांड है, और डिमांड है ये हम बोल रहे हैं लेकिन जिसके पास होना चाहिए वो नहीं बोलता है, है ना. तो जैसे अभी बात हो रही थी कि जो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है हमारी है, जो स्मॉल स्केल कंपनीज है, वो तुम देखो ना अभी, अब तुम कितने सारे एग्जांपल देखोगे, जैसे मैं मयूर विहार में रहता हूँ, आई हैव सीन अवर शॉप जो यहाँ का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स हाउस होता था, है ना, जस्ट बिकॉज ही कुड नॉट एंड ही वॉज लाइक अर्निंग लाइक एनीथिंग. अब वो ना उसने चेंज किया खुद को, ना उसने चेंज के लिए किसी को हायर किया, है ना, किसी ना किसी मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव के बंदे को हायर करता तो दे गुड हैव टेल हिम कि भाई आप ऐसा नहीं ऐसा कर लो. अब सोचो 1 साल की कंसल्टिंग फी बहुत ज्यादा तो क्या होती, 10 लाख रुपया लगता, 15 लाख रुपया लगता, बट ही वुड हैव सेव्ड हिज करोड़ रुपीज बिजनेस विद दैट, क्योंकि इंडियन इंडियन जो कंपनीज है दे नेवर कॉम्प्रोमाइज विद द
profitability part. They don't want to compromise with the profitability part. And cost cutting का जो सबसे अच्छा जगह है, जो सबसे अच्छी वेन्यू है, वो है HR front पे. कि जितना कम में कर लो. इसीलिए तुम देखोगे कि कई सारे कंपनी में किसी ऑपरेशन वाले employee का ही एडेड रोल हो जाता है कि वो HR का काम देख लेता है. या फिर कई सारी कंपनी में फाइंड कि विदाउट एनी ट्रेनिंग पीपल यूज टू हायर HR फॉर HR जॉब्स. वो भी ऐसे HR जॉब्स के लिए जहाँ पे ट्रेनिंग की नीड है या एक्सपर्टीज की नीड है. तो पॉइंट मेरा यहाँ पे ये है कि अभी के टाइम में when all those companies are being obsolete because external environment is changing too much, by the virtue of information technology growth, people's choice growth, और एक कंपनी की चेंज इसलिए भी करनी पड़ती है कि दूसरा कंपनी टाइप चेंज हो गया. जैसे लोगों का बाइंग बिहेवियर अब चेंज हो रहा है, तो अब जो जो कंपनीज का सेलिंग बिहेवियर चेंज होने चाहिए, है ना. अगर लोगों का बाइंग बिहेवियर चेंज होगा तो कंपनीज का सेलिंग बिहेवियर नहीं चेंज होगा, तो कभी मैच नहीं करेगा. इफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट इफ पीपल आर रेडी टू मतलब ओनली ट्राइंग टू बाई थ्रू ऑनलाइन मोड, और आप उसको ब्रिक एंड मोर्टर वाले मॉडल पे आप उसको बिछाए जा रहे हैं, तो उसका फर्क नहीं पड़ेगा. पॉइंट ये है कि अभी हमें पूरे नेशन के कंपनीज को, जितनी भी कंपनीज है विच यू आर विलिंग टू सर्वाइव और ग्रो अहेड और डेवलप अहेड, आपको ओडी कंसल्टेंसी की जरूरत है. एंड इफ यू मेजर द इंटायर वो रिक्वायरमेंट, अगर तुम मैन पावर के रिक्वायरमेंट अगर जज करोगे, तो वी आर प्रोड्यूसिंग वेरी लेस नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स एंड एक्सपर्ट्स हु कैन वर्क इन दिस एरिया. तो अब इस कोर्स की ऐसी नीड है सरकार मतलब पूरे देश को. अब उसमें क्या है कि चैलेंज क्या है कि वी नो दैट दे नीड अस एंड दे नो दैट दे नीड समथिंग बट दे डोंट नो दे नीड अस. तो उस अवेयरनेस की भी जरूरत है ना. तो जो आपका कोर्स है या आप जो हैं जब इस कोर्स में जाओगे, तो यू ऑल्सो नीड टू थिंक इन दैट एस्पेक्ट, है ना, कि आपको अपनी नीड क्रिएट भी करनी पड़ेगी. अभी बात समझ में आई तुम लोगों को कुछ? सर ये लास्ट वाला लाइन रिपीट करेंगे क्या, नीड वाला जो आप बोला था आपने? कि मैंने बोला था कि तुमको दिख रहा है इतनी सारी बातचीत करने पे, व्हाट यू कैन सी दैट एवरी कंपनी हु हैज नॉट बीन थिंकिंग इन दिस वे, हु हैज नॉट बीन कंसीडर्ड देयर ऑर्गेनाइजेशन एज अ सेपरेट लिविंग बीइंग, है ना, दे जस्ट थिंक देयर ऑर्गेनाइजेशन इज देयर मतलब वो प्रोप्राइटरशिप और a group of people who are doing the work, and their organization is just defined by their supply chain but not in an organism. So aisi bahut sari companies, jo small scale company hai, badi company hai, jo which are not considering or seeing their organization in this way. So waise cases mein they need us, that we know, hame pata hai ki unko chahiye, kyunki agar wo agar nahi dekhenge to jitni tezi se environment change ho rahi hai, they will have to वो ऑब्सोलीट और वो हो ही जाएंगे. तो हमें पता है कि उनको हमारी जरूरत है, उनको ये दिखता है कि उनको किसी चीज की जरूरत है. ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन डजंट फील दैट लैक, है ना, उनको फील होता है कि उनको किसी चीज की तो जरूरत है, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग वेरी गुड और ग्रेट इन दैट वे. तो उनको किसी चीज की जरूरत है, बट दे डोंट नो कि दे नीड अस. सुन रहे हो, मतलब ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की कंसल्टेंट की या पीपल की जरूरत है. तो अब इस मैच को भी तुम्हें डेवलप मतलब वो फिल करना पड़ेगा, इस गैप को भी. ओके, बात समझ आई? समझ गया. तो पॉइंट ये है कि जब तुम इंटरव्यू में जाओगे, है ना, और व्हेन यू विल टॉक अबाउट योर कैंडिडेचर, तो वन ऑफ द फॉरमोस्ट लर्निंग और नॉलेज जो तुम्हें वहां पर रिप्रेजेंट करनी होगी वो ये होगी दैट यू रियली अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर कोर्स. क्योंकि ये बहुत उनके लिए भी प्राउड का सब्जेक्ट होता है कि वन देयर स्टूडेंट, है ना, लिटरली गो अहेड इन दैट वे, जिस वे में और जिस ऑब्जेक्टिव के साथ वो पढ़ा रहे. समझ आ रही बात? इतनी इतना डेप्थ में तुम्हें एनालिसिस करना पड़ेगा. तो व्हाई डिड आई, मतलब मैं अभी ये पूरा भाषण या इतना लेक्चर इसलिए दिया क्योंकि जो लोग नए हैं या जिन लोगों ने अभी डेप्थ सबमिट नहीं किया है, दे कैन स्टिल रीथिंक. And मतलब rethink करने की जरूरत इसलिए है कि even if you're not changing your DAF, but you can keep those intention in your mind कि वो आपके बातचीत में झलके. अब पता है जैसे एक वर्ड एक सेंटेंस आपके पूरे जो स्टोरी है ना उसको वेट दे देती है, और इतना वेट दे देती है कि पीपल
आर बाउंड टू गेट इंटरेस्ट इन दैट. तो वो तभी हो पाएगा व्हेन यू अंडरस्टैंड द एंटायर स्टोरी बिहाइंड इट. ठीक है, तो अगर अगर हम किसी का भी, जैसे तुम अगर पढ़ना शुरू करोगे ना वाई दिस कोर्स, और जब मान लो कि तुम हमारे पास पढ़ते हो तो हम तुमको एक डायरेक्शनल वो बताते हैं, यू जस्ट गो एंड रीड एनीवनस डैफ हु हैज बीन हु हैज सबमिटेड देयर डैफ इन द टेस्ट वेबसाइट, या जो फाइनल तुम सबमिट पढ़ोगे, यू वोंट फाइंड वेदर, दो चार में ऐसा होगा जो तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक दिखेगा या बहुत ज्यादा खराब दिखेगा, बट ऐसा नहीं है कि किसी ने भी खराब वर्ड यूज किए होंगे. एवरीबडी मस्ट हैव यूज्ड लॉट्स ऑफ जार्गन, अ वेरी स्ट्रॉन्ग जार्गन, है ना, इम्प्रेसिव जार्गन, और दे मस्ट हैव रिटन वेरी स्ट्रॉन्ग लाइन्स अबाउट द चेंज, अबाउट द लीडरशिप, अबाउट द ओडी, है ना, बिकॉज लिटरेचर इज अवेलेबल थ्रू आउट द इंटरनेट. सो इट्स नॉट अबाउट वॉट यू रीड, इट्स ऑलवेज अबाउट वॉट यू अंडरस्टैंड, है ना, विथ दोज रीडिंग. अभी समझ में आया? Yes, सूरज, शिखा, शिवाजी, yes, तुम लोग बताओ, भाई जल्दी बताओ. जॉयल, हाँ सर, तो ये तुम्हें समझ में आया ये वाली बात? हाँ सर. ठीक है, तो किसी ने नोट बनाया क्या अभी अभी जो हुआ, की पॉइंट्स लिखे क्या? हाँ सर, मैंने थोड़े बनाए. तो चलो लिख के लेना. जॉयल तुमने नहीं किया? नहीं सर, मैं सुन रहा ही था सर. लिखा करो तो. हाँ पूछो सर. जैसे आप बोले थे ना, हमें अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा मार्केट में, तो सर उसके अवेयरनेस क्रिएट करने के क्या मोड हो सकते हैं? वो इसी पर ना हमने एक बार क्वेश्चन पूछा था ज्वेल से. हाँ वो तो एक मुझे समझ आया, हाउ डू पिच योर सर्विसेज. हाँ वो एक वो मेरे दिमाग में आया. दूसरा सर, ये जब हम इंटर्नशिप पे जाते हैं तो सर हम लोग उनको अपनी जो जो फील्ड का जो इम्पोर्टेंस है वो रियलाइज नहीं करा सकते उस टाइम पे. नहीं, उस समय तुम करा सकते हो, बट बेसिकली पॉइंट क्या होता है, इट्स नॉट योर इंडिविजुअल एफर्ट्स. वो एक सी देखो, अब कई बार होता है ना कि इवन इफ यू आर थिंकिंग, मतलब जैसे मान लो कि मेरे पास किसी का कॉल आया, ठीक है, अभी किसी का कॉल आया और ही इज आस्किंग मी कि सर हम कैसे प्रिपेयर करें और क्या करें. सो दो चीजें होती है. अगर मैं उससे कुछ अच्छी बात भी बताऊंगा कि तुम ऐसे ऐसे करो, ज्वाइन करके हम ऐसे ऐसे करेंगे, सो ही माइट थिंक कि व्हाटएवर आई एम टेलिंग इन रिस्पेक्ट टू, मतलब कि टू सेल माय प्रोडक्ट और सर्विस. ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है व्हेनेवर यू आर सजेस्टिंग समवन टू यूज योर सर्विसेज, है ना. तो अभी लेकिन उसके लिए क्या उपाय है कि हम क्या कर सकते हैं? जरा सा एक मिनट फोन करो.
हाँ कहाँ थे हम, कोई बताएगा सर ओडी का रेलेवेंस किस किस कर रहे थे? नहीं नहीं अभी लास्ट में क्या बात है, उसको पिच कैसे करेंगे? तो हाँ पिच कर, सूरज ने पूछा था, तो हमने बोला कि जैसे कई बार क्या होता है कि यू कैन नॉट जस्ट से कि आप इस पे सोचिए कि आप हमारा सर्विस लीजिए, आपको डिफरेंट डिफरेंट केस स्टडीज तैयार करने पड़ेंगे, ठीक है, जैसे किसी ने काम किया ओडी से रिलेटेड और फिर उसका एक मेजरमेंट आपको सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा कि हाउ ओडी और हाउ दिस सर्विस और दिस काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस और मॉडल्स और चेंज का जो भी मैकेनिज्म हमने यूज किया दैट हैज इंक्रीज द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी और कंपनीज सस्टेनेबिलिटी फैक्टर बाई दिस परसेंट और दिस अमाउंट, तो इस तरह का आपको दिखाना पड़ेगा। तो उसकी जो पूरी जो पिचिंग वाली होगी, जो तरीका होगा, जैसे तुम देखो कोई भी कंसल्टिंग कंपनी तुम देखोगे ना जो किसी किसी एस्पेक्ट में कंसल्टिंग देती है उसकी वेबसाइट पे, तो वो क्या करते हैं व्हाइट पेपर लिखते हैं। डू यू नो व्हाट इज व्हाइट पेपर? कोई देखा है कभी व्हाइट पेपर, सुने हो कभी? डिटेल पेपर होता है ना पर्टिकुलर? हाँ नहीं, व्हाइट पेपर होता है जिसमें कंपनी जो है मार्केट की स्टडी या फिर कोई केस स्टडी या कोई हाइपोथेटिकल केस स्टडी क्रिएट करके उसको अपने वेबसाइट पे डालती है। वो इसलिए होता है कि कई बार दूसरी कंपनी हु इज योर पोटेंशियल सर्विस टेकर और क्लाइंट, वो आपके सर्विसेज को उस वाइट पेपर के थ्रू जज करता है। तो जैसे कई बार तुम केपीएमजी की वेबसाइट वगैरह पे देखोगे ना, तो ईयरली वो कई बार अपने किसी किसी इंडस्ट्री के स्टडी निकालते हैं, तो व्हाई दे उन्होंने एक स्टडी कैसे क्यों निकाला, जैसे हायर एजुकेशन पे एक उन्होंने स्टडी वो क्यों निकाला, क्योंकि दे सी अ पोटेंशियल क्लाइंट इन ऑल दोस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट फॉर दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट जिसके लिए उन्होंने वो पेपर निकाला है। तो सूरज ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू कंसल्टिंग कंपनीज हैज बीन एबल टू पिच और मेक सम मतलब होता है ना कि डिमांड एंड क्रिएटेड सम डिमांड इन द इंडस्ट्री। तो यहाँ पे भी आपको चूंकि मतलब देर आर वेरी फ्यू पीपल हु आर एक्चुअली वर्किंग इन दिस डोमेन है ना, एंड देर आर वेरी फ्यू कंपनीज हु कैन एक्चुअली थिंक ऑफ स्पेंडिंग मनी, तो इसलिए ना वो डिमांड क्रिएटेड नहीं है। बट अगेन अगर हम अवेयरनेस फैलाएं, उस तरह की इंडस्ट्री तक पहुंचे, वहां पे हम जाके छोटे छोटे केस स्टडी प्रिपेयर करें, तो यू कैन ऑलवेज क्रिएट डिमांड इन दैट। ठीक है, बोलो भाई सूरज और बताओ। तो अब ये है कि मैंने ये सारी चीजें अभी बताई, तो जितने भी लोग जो हमारे उससे हैं मतलब ओडी से हैं, उनको अपने लिए एक मोटिवेशन क्रिएट करना है। तो जैसे मान लो कि इफ आर नॉट फाइंडिंग कि एक एक जैसे एक अर्लियर व्यू पॉइंट आपका नहीं था कि ओडी में जाके करेंगे क्या, बट यू नो दैट ओडी में जाते हैं तो प्लेसमेंट मिल जाती है ना, ओडी का प्लेसमेंट अब एचआर के कंपैरिजन में इक्वल होते जा रहा है या होने जा रहा है ना, या हो सकता है, मतलब यू सी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इन दिस कोर्स, बट नाउ एंड विद दिस लेक्चर यू ऑल्सो सी वट काइंड ऑफ वर्क प्रोस्पेक्ट इज देयर इन फ्यूचर। तो अगर ये जो पूरा चैलेंज है या ग्रोथ है, बिकॉज दिस वर्क कैन नॉट बी डन बाय एनी पर्सन, तो जैसे कोई यूपीएससी की तैयारी करने वाला बंदा है तो वो इस बात को समझा सकता है कि थ्रू जॉब है ना, क्योंकि वर्क इज तो मैंडेटरी है, जॉब में आप ऑर्गेनाइजेशन की एक नो हाउ की फीलिंग है आपके पास, थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, ना ही यू नो ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग, बट अपने टाइप की ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग तो जानते ही हो है ना, यू सी लॉट मेनी चैलेंजेस वाज स्टिल देयर डिस्पाइट एचआर के एफर्ट्स थे, और हो सकता है एचआर की प्रैक्टिसेस सही नहीं थी है ना, यू सो लॉट मेनी ऑफ कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम और अदर काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन योर प्रीवियस कंपनी, एट द सेम टाइम यू आर वेरी मच ट्रेंड, ऑफकोर्स सेल्फ ट्रेंड कहोगे विद द ऑल द अदर एस्पेक्ट दैट सोसाइटी हैज और इकोनॉमी हैज, क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन करते वक्त आपको बहुत सारी चीजें मिली, जैसे इकोनॉमिक्स की स्टडी हुई या ज्योग्राफी की स्टडी हुई या कल्चर की स्टडी हुई या फिर सोसाइटी की स्टडी हुई, गवर्नमेंट पॉलिसीज की स्टडी हुई थ्रू दिस, तो आप वो उस आपके पास वो एक सेट ऑफ स्किल है कि आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को बहुत जल्दी रीड कर सकते हो, बहुत जल्दी उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, समझ सकते हो, एंड सिंस यू विल बी ट्रेन्ड इन ओडी, मतलब जब आप ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के कोर्स में जाओगे तो ओडी टेक्निक्स तो सीखोगे ही, साथ में यू विल बी लर्निंग ऑल द अदर मैनेजमेंट फंक्शंस, तो आपके पास तीन टाइप का स्किल हो जाएगा, एक जो आप समझते होगे ओडी टेक्निक्स जो कोर इसके स्किल्स कैपेबिलिटीज है, सेकंड आप सारे बिजनेस फंक्शंस को समझते होगे क्योंकि बिकॉज
organization is made up of all those functions, or all those functions actually work for the organization in order to get profit and anything. And third, you also know all about external environment, people, government, community, international affairs, everything, because UPSC tends to cover almost everything around you. So with all these three knowledge, your domain knowledge, you will be a very you'll be able to perform, or you'll be able to grow in this field, because aapki learning aur aapka jo wo hai work hai wo us pe bahut match karega aur suit karega. अभी बात समझ में आई चंद्र, अब तुम इसको लिख सकते हो? हाँ ठीक है सर, हाँ मैं इसको करता हूँ. इसको इसको बांध के लिखो, ठीक है? तो आपको कहीं ना कहीं से इंडिविजुअलाइज करना पड़ेगा अपने क्या बोलते हैं व्हाई दिस कोर्स वाले उसको क्वेश्चन को. ठीक है ठीक है, तो अब मैं इसको अब एक्सप्लेन नहीं करूंगा इससे ज्यादा. और अब मुझे बताओ कि अब किसका बचा हुआ है? सर मेरा फर्स्ट टाइम है, एक ही आंसर लिखा है मैंने अभी तक. कौन सा लिखा है? सो बाय दिस कोर्स. दोनों लिखो ना, बायस के भी लिखो, हम 8:30 वाली क्लास में सबसे पहले देख लेंगे तुम्हारा. ओके ठीक है, तो हमारे पास जैसे देखो 22 लास्ट डेट है ना सबमिट करने को. हां सर. तो हम आज आज कौन सा डेट है? 20 आ गया आज. मैं अभी 19 था. तो 20 का हमारे पास 20 का 8:30 वाला सेशन है, ठीक है, मतलब आज शाम में. फिर हमारे पास कल 21 का मॉर्निंग वाला सेशन है, 10 o'clock वाला, फिर 2 o'clock वाला, फिर 8:30 वाला, है ना. तो अब मैं प्रॉब्ली किसी का इंटरव्यू नहीं लूँगा, अब डैक हो ही जाने दो, है ना, तभी हम इंटरव्यू लेंगे. तो 4 सेशन है अभी आपके पास, और 22 का फर्स्ट हाफ वाला, 5 सेशन है. तो सब में थोड़ा 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 एडिट करवा लो, जो तो जिनका अभी एक भी बार नहीं हुआ है, आई से कि आप पहले एक बार पूरा लिख लो दोनों, और मुझे 8:30 वाले में दिखाओ. ओके सॉरी सर, ये थर्ड वाला जो क्वेश्चन है रिलेटेड वर्क कुछ किया है आपने क्या, जो कि आपके फील्ड ऑफ स्टडी से रिलेट हो सके? हाँ. तो उसमें फिर कैसे रिलेट करना होगा उसको, उसको अलग से बताएंगे आप? नहीं, जो तुम्हें लग रहा पहले लिख दो. तुमने क्या जॉब क्या किया है? सर मैं तो आईटी में था, टीसीएस में था. और तुम्हारा एचआर में कौन है? मैं ट्राई कर रहा हूँ ओडीसीएल के लिए और लेबर स्टडीज के लिए. अच्छा, ओडीसीएल के लिए. दोनों लिखो पहले. ओके. जो भी तुम्हें लग रहा है ना उसमें लिख दो, हम जब देखेंगे ना तभी वो हो पाएगा. ठीक है. ठीक है. उसका एक्चुअली मुझे आइडिया ही नहीं लग रहा है कि जो समझ में आए अभी, जैसा भी समझ में आए उसको लिख दो. ओके फाइन. तो सिवा ये मैंने तुम्हें बायस किस तो बता दिया था ना, ये क्या सूरज ने तुम्हें हेल्प किया कि नहीं? सर किया, उसने दूसरा लिखा है, ये वाला नहीं है, नया लिखा उसने. अच्छा, अब नया लिखा है. उसने सेंड नहीं किया आपको? अरे इसमें नीचे लिख देना चाहिए था ना, तुमने फिर नया फाइल भेज दिया था. सर उसने ही खुद नया लिखा पूरा. मैंने वो तो मैं समझ गया, मतलब इसी में भेज, उसको उसी को बोल रहा हूँ कि इसी में डाल देना चाहिए था. यही है. अच्छा. इसमें अभी थोड़ा चेंजेस बोला था मैंने, पता नहीं सर क्या लगे. की होगी नहीं शिवाजी? तो तुम्हें इस एक्सरसाइज का कुछ फायदा हुआ सूरज? हाँ बोल सकते हैं, मतलब पहले आपके साथ में कर लिया तो ये, मतलब मैंने तो उसी वे में बताया उसको. हाँ उसी वे को, उसी वे में तुम्हें और कुछ भी तो समझ में आया होगा ना. हाँ एक क्लैरिटी तो आती है उसको लेके कि मतलब नहीं, तुम थोड़ा ऐसे नहीं सोचेगी एज ए प्रोफेसर है ना, हमें क्या देखना चाहिए. हाँ हाँ मतलब समझ में आया. जैसे बायोस्केच में सर उन्होंने ना मतलब बहुत कुछ लिख दिया था जो कि जरूरी नहीं था, मतलब वो सब लिखना ही नहीं था. तो सब सर एक क्वेश्चन है बायो स्केच के लिए. सो बायो स्केच में मैंने ऐसा समझा कि हमारी पूरी स्टोरी
प्लस अचीवमेंट्स भी रख सकते हैं सर, जैसे मेरा बहुत ही डाइवर्स है, बहुत स्पोर्ट्स है, बहुत सारा है. सब लिखो, बस अपनी तारीफ मत लिखना और क्या सीखा है क्या करके ये मत लिखना, ठीक है? ओके ओके. मतलब स्पोर्ट्स किए तो टीम लीडर बन गए, मतलब टीम वर्किंग सीख लिए, ये सब नहीं लिखना. ओके सर. सर जैसे स्टेट गोल्ड बैग किया तो वो भी नहीं लिख सकते? वो लिखो, मतलब जो भी अचीवमेंट है वो लिख सकते हो, है ना? ओके. बट यू डोंट हैव टू राइट व्हाट यू हैव लर्न्ड फ्रॉम दैट. बहुत आलसी हो पता, तुम अपना काम ही नहीं कर रही हो जल्दी. 4 दिन हो गए ना तुम्हें ज्वाइन किए हुए, 4-5 दिन? सर वो एक्चुअली 2 दिन से तो सर मेरी तबियत वो वैक्सीनेशन के वजह से ना तबियत बहुत खराब है. मतलब कौन किसने बोला तुम्हें वैक्सीन लेने के लिए? सर स्लॉट मिल गया तो ले लिया. कौन सा वाला ली? कोविशील्ड? हाँ. अभी तबीयत ठीक है? बिल्कुल भी नहीं सर. मतलब सर वो उठना ही नहीं हो रहा, मुझे चक्कर आ रहे हैं. अच्छा. जैसे स्क्रीन वगैरह भी देखती हूँ ना तो मुझे चक्कर आ रहे हैं और बॉडी के वो सब. तुम्हारा दो दो बाकी भी है, मतलब एजुकेशन वाला भी बाकी है ना? हेलो सर, आपके तुम्हारा एजुकेशन वाला भी तो बाकी है अभी? हाँ सर, उसके मेरे 2 questions बाकी है. और सर मैंने बायो स्केच में ना जो आपने बताया था ना कि स्कूल में कुछ किया नहीं है क्या वगैरह, तो वो बहुत सारा चेंज किया मैंने और मेरे वर्ड लिमिट शायद बढ़ गई है. आप एक बार देख लो ना. हाँ देख लेते, वो कट जाएगा. तुम पहले व्हाई दिस कोर्स देखो ना पहले सही से. हाँ सर, दोनों कोर्स का बायो स्केच कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, वो फटाफट हो जाता है. The real challenge is writing why this course. अच्छा. क्योंकि जो तुम लिखोगे ना उसी alignment में तुम बोल पाओगे. और bias case तो चलो ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया, नहीं लिख पाए, कुछ भूल गए, वो अलग बात है ना. Why this course is very important. हाँ सर. सर मुझे education का इतना मतलब मैंने करा है ना वो, और मुझे लिखना है उसको बहुत अच्छे से, पर मतलब मुझे डर भी लग रहा है कि इतना मतलब लिखना तो है पर अभी तक के स्टार्ट नहीं किया है और बहुत सारा करना. डरने से किसी का कुछ हुआ तो होता है? एमए एजुकेशन वाला वो देखी कि नहीं, कोर्स डिस्क्रिप्शन? हाँ सर वो तो पूरा देखा है मैंने अच्छे से. अच्छा, तब भी तुम्हें दिक्कत लग रहा है? मैंने उसका एक तो स्लाइड बेस्ड भी वीडियो बनाया हुआ है, वो वाला देखा है तुमने? हाँ सर, कोर्स डिस्क्रिप्शन का ना. हाँ हाँ देखा. तो उसके बाद भी तुम्हें दिक्कत है? नहीं सर, मुझे लिखना है अपना अपनी जर्नी. अच्छा, अपनी जर्नी. ठीक है चलो, रुको मैं इसका बायो स्केच पढ़ लूँ. चलो मैं कल क्या करता हूँ ना, लेट मी कीप 4 classes टुमारो, है ना, कि जिससे कि 4 बार में हम इसको कवर करते हैं. तो एक अर्ली मॉर्निंग रख देंगे, एक दिन 2 दिन में और एक रात में. और यहाँ पे ना ये प्रियांशु है, ये बहुत स्मार्ट है. किसी को अभी फर्स्ट ड्राफ्ट दिखाना हो अपना, है ना, और कुछ हिंट चाहिए हो या कुछ डायरेक्शन चाहिए हो, यू कैन जस्ट टॉक टू प्रियांशु, सूरज, जोयल, किसी को भी बोल सकते हो, जो फ्री होगा तुम्हें हेल्प कर देगा. जो लोग एचआर वाले ग्रुप में, प्रियांशु तुम भी एचआर वाले ग्रुप में एडेड हो ना? हाँ सर. तो इसमें तो बाकी सारे एचआर वाले ही हैं, तो उसी में प्रियांशु अपना नंबर एक बार डाल दो, जिसको थोड़ा हेल्प लेना होगा एक बार ले लेगा तुमसे. इधर सर नंबर डाल दो? इधर नहीं, उसे ग्रुप में ही डाल दो. अच्छा ठीक, ग्रुप वाले ही तो है. अच्छा. तो दीपमाला, दिव्यांशु, चंद्र प्रकाश और काजल, शिखा, शिवाजी, है ना, शिवानी कहाँ है? शिवानी से किसी की बात हुई है? सूरज तुम्हारी बात हुई है उस दिन जो तुम्हारे क्लास में थी उससे पहले? नहीं सर, उससे बात नहीं हुई है. पता नहीं कहाँ गया, उसको कॉल भी किया था मैंने. एनीवे, सो एनीबॉडी नीड्स हेल्प, तो आप लोग में से किसी से भी, जोयल, सूरज और उस प्रियांशु, तीनों में से किसी से भी आप हेल्प ले सकते हो. और बाकी हम तो कर ही रहे हैं, तो एक बार अगर अपडेट वहाँ से हो गया उसके थ्रू, किसी के थ्रू, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा. ठीक है,
डालो जरा ग्रुप में नंबर लो। तो मायसेल्फ ए शिवा प्रसाद 26 ईयर ओल्ड बोर्न इन कुरनूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश करेंटली रेसिडेंट ऑफ मेट्रो सिटी हैदराबाद आई केम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली प्रोडक्ट ठीक है ठीक है ठीक है आप फिर मैं कोई याद नहीं आ रहा हूं कुछ मैं देन वी मूव टू हैदराबाद एंड माय इंटरव्यू एजुकेशन का मतलब है कि मैं तो ठीक है फिर आफ्टर आई टुक एन एग्जाम विद हिम एनी वाज लाइक सम माय हॉबी ये किसने लिखा ये जो है ना ये बाय टीचर इज वाइस है ना इसको तुम सीधे एक ही बार में लिखो आफ्टर ग्रेजुएशन आई टुक एडमिशन इन दिस पर्टिकुलर कॉलेज थ्रू आईसीईआर एग्जामिनेशन ठीक है समझ में आ रहा क्या कह रहा हूँ शिवाजी शिवा प्रसाद नाम है तुम्हारा ठीक है थोड़ा छोटा हो जाएगा इससे क्यों मतलब एक तुमको आगे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी अपने फील्ड में शिवाजी बोलो हम कैसे अनम्यूट करें तुम खुद हो जाओ ये अलग समस्या हेलो जी सर हेलो बोलो हाँ सर मतलब मैंने पीएचडी ज्वाइन नहीं किया सर मेरे को मतलब मेरा इंटरेस्ट नहीं हो रहा था उसमें हाँ
जी तो मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की और फिर मैंने एग्जाम्स भी क्लियर किए गवर्नमेंट जॉब. तो ऐसे लिख देते हैं आई डिड नॉट जॉइन पीएचडी. ये इसलिए लिख रहा हूँ कि अगर ये पूछे तो तुम अच्छा बोल पाओ वहाँ पे. ड्यूरिंग द कोर्स मतलब सर वो यूपीएससी के द्वारा. अच्छा ड्यूरिंग कितने वर्ड में है ये सर? 320 लग रहा है. 320 तक का होगा. ठीक है भाई पूरा डालो. ओके सर. यहाँ पे ऐसे थोड़ा लिख सकते हो नाउ आई सी या आई एम लुकिंग फॉर. बस इतना ही लिखो छोड़ो इसका रीजन मत पूछो यार बताना. ठीक है इसको हटा दो तो हो जाएगा. YHR इसमें क्या लिखवाया हो सूरज तुम इसको? सर वही जो आपने जो स्ट्रक्चर बताया वैसा ही मैंने लिखा है लेकिन एक बार आप रीड कर लीजिए. मुझे मेरे में बैचलर्स वेयर आई हैव बीन टू लीडरशिप पोजीशन आई फेल्ड. आई हैव मैच्योर टेस्ट टू बी इन लीडरशिप पोजीशन. आई हैव बीन इंप्रूविंग इन सेशन I was a part of. While being a research institute, I was also doing work in an area which would give me a significant impact on the farmers of our country. Okay? It was not helping me in who I wanted to become, and I felt I would not be able to do justice to it in the long run. I realized any career progression what we choose should be in line with the inner expression would make you realize. Okay, so thoda sahi lag raha hai, who you can be as a person. This is self-fulfilling and which research could not offer me. Research management is a backbone of any organization and giving skilled and valuable workforce as a research profession you have. ठीक है अभी इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया सकता इसमें क्योंकि your background is entirely different. तो इसमें यही है कि आप अपने काम को थोड़ा अच्छा बताएं और फिर आपने बताया कि आप उसमें कंटिन्यू करने करना चाहते हो और एक यार एज ए प्रोफेशन आपको अच्छा लगा. तुम लिखवाए हो सूरज ये सब? हाँ सर मैंने सजेशन किया था लिखा उन्होंने इंटायरली. मैंने बताया कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर है क्या क्या तुम हाँ, सकते हो. तुम्हारा तो अच्छा है तुम अच्छा गाइड किया. ठीक है एचआरएम एज अ कोर्स. हां सर सूरज ने अच्छा गाइड किया. हां तो यही करते रहना चाहिए पता है मतलब इससे बहुत इनरिच होता है तुम्हारा थॉट प्रोसेस है ना. और जो सुनता है ना उसको भी दो चीजें मिल जाती है ना दो पर्सपेक्टिव मिल जाता है. आखिर हम तो बात करेंगे इस पे है ना. अब ऐसा तो है नहीं ना कि डैफ हो गया तो हम तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग पे बात ही नहीं करेंगे. जो पूरा इंटरव्यू की क्लास होगा और इंटरव्यू होगा वो इसी चीज पे दोबारा होगा. लेकिन अभी मजबूरी ये है कि हमें डैप तो सबमिट कर ही देना है जल्दी. इवन इफ यू आर नॉट एबल टू थिंक दैट ग्रेटली बट एक अच्छा सफिशिएंट कंटेंट तो हम दे देना डैप में. जी सर जी सर जी बेस्ट है. तो और लोग भी कौन है दिव्यांशु अगर तुम समझ गए ना ये तीन तीन लोग है जो तुम्हें हेल्प कर सकते है जोएल और प्रियांशु. और 8:30 में हम बैठेंगे. अब बताओ काजल तुम्हारा कैसे करे तुम बहुत कंसर्न के सब्जेक्ट हो गई हो सर. ये वाला ठीक है ना सर? हाँ बिल्कुल ठीक है.
जी सर ओके सर आप मेरा बायो स्केच देख लेंगे क्या प्लीज आई बीन वेटिंग तो शिवाजी एक बार हम ना रात में पढ़ लेंगे कल पढ़ लेंगे तभी सबमिट करना अभी सबमिट मत करना ठीक है या फिर इसको सूरज को ही कुछ और दिमाग में आ जाए जी जी इसको तुमने चेंज कर दिया क्या जी सर फिर इतना बड़ा कैसे हो गया डाले हैं चीजें मतलब देयर इज नो वे दैट यू विल गेट एनी मार्क्स फॉर दिस ये अभी 603 वर्ड का हो गया इसको कम करो हम क्यों पढ़े इसको हम तुम्हें 300 वर्ड का करके दिए छोटा सा तो हम उसको फैला के इतना बड़ा कर दिए या तो इसको क्या करो जो पूरा ऊपर से लिखा हुआ है ना तुमने इसको अलग रख लो और उस दूसरा उसको कॉपी पेस्ट कहीं और करके तब उसको काटो ठीक है अगर तुम्हें वो लग रहा है अच्छा नहीं लग रहा है काट कर तो द कॉमन डिफरेंस इज बिजनेस इज टू अडैप्ट टू चेंज ये स्टार्ट ऐसे कैसे हो रहा है My main aim was to show that like business has to adapt to changes and then how risk taking is necessary because I took a risk for changing my background like career from microbiology to HR. So, mera wo thought process tha. ठीक है चलो तुम विभिन्न यू पर्सनालिटी में इसको छोड़ देते हैं। The common difference is business to adapt to changes on form with either way. Change can be risky and some amount of risk taking is necessary to succeed. मेरा पॉइंट है कि इसका कोई फायदा नहीं है ठीक है तुम बोल दो ठीक है इससे इससे तुम बताना जो चाह रहे हो ठीक है बट इस पर ट्रस्ट कोई करता नहीं है अरे किसकी आवाज आ रही है बंद करो अपना माइक Balasarma believes in taking major risks and successfully transitioning from a background in microbiology to HR. In his era of HR professionals, he has handled many sensitive roles from mission. Hey, Shivaji, तुमको mute भी हम करें, unmute भी हम करें. कुछ नहीं पाते क्या? अब कौन? In 4 years of her being HR professional, she has handled many sensitive roles and mission critical HR projects. She has expertise in core HR. देखो एक बात बताऊँ मैं दीपाला तो I as a मतलब teacher मैं इस पे तुम्हारी choice है कि तुम किसको कैसे रखना चाहते हो but my point is कि your basket should not be a pitch for your candidature. हम पढ़ के तुम्हारे बारे में समझ जाए अब लॉट मीन एचआर का बात हम पढ़ के हम कैसे समझेंगे कि तुम क्या हो जैसे आपने व्हाई दिस कोर्स था आपने लाइक थोड़ी हेडिंग्स बताए थे कि दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू अप्रोच इट तो बायोस्केच का व्हाट इज द राइट अप्रोच मतलब देन आई वुड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट द सेम वे बायोस्केच का राइट अप्रोच वही है कि आपकी आप अपनी लाइफ थोड़ी बताओ वेयर यू फ्रॉम है ना इन व्हाट काइंड ऑफ फैमिली यू हैव बीन फैमिली डिटेल तुम्हारी इच्छा है तुम डालो ना डालो है ना हाउ हैव यू हैव बीन इन स्कूल्स क्या क्या तुमने किया है ना फिर उसके बाद हाउ वाज योर कॉलेज लाइफ एंड देन व्हेन यू शिफ्टेड टू जॉब है ना हाउ इट हैपेंड और क्या तुम्हारा वर्क एक्सपीरियंस था So all those major events or activities that you have done, which has a very significant impact on your life, and or which defined or
मतलब मेड योर कैरेक्टरिस्टिक्स और कैरेक्टर, और एक होता है ना एक पर्सनालिटी जो डेवलप किया, तो वो सारी चीजें तुमने वो सारी एक्टिविटीज देखी है इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आपने उसमें सर्टिफिकेट लिया है कि नहीं और कोई इवेंट जीता है कि नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एंड मतलब जो तुम अभी जो लिख रहे हो ना उसको पूरा पूरा पढ़ने के बाद यू एज अ पर्सन आई एम नॉट विजुलाइजिंग दैट। तो सी मतलब मैं कंपनी के लिए नहीं, मतलब मेरे लिए या इसको प्रोफेसर के लिए या कोर्स के लिए, हाउ यू आर एट योर पर्सनल, नॉट वेरी पर्सनल, वेरी पर्सनल नहीं, एक नॉर्मल ह्यूमन बींग की तरफ तुम कैसी हो एंड वट अदर थिंग्स यू कैन ब्रिंग टू द टेबल, है ना, कि मतलब तुम क्या ला सकते हो तुम, मतलब योर इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स, योर इंटरेस्ट इन आर्ट्स एंड कल्चर, योर इंटरेस्ट इन अदर थिंग्स, बिकॉज द इंटायर कोर्स इज नॉट मोनोटोनसली विल डिस्कस अबाउट एचआर वन, मतलब विल डिस्कस अबाउट एचआर वन, है ना। तुम्हें यही बताया कि ये एचआर का कोर्स इज ऑल्सो हैविंग अदर फंक्शन ऑफ बिजनेस, तो चलो ठीक है ही, बट सोशल इशूज और सोशल वर्क वैसे वाले भी प्रोस्पेक्ट्स होंगे, तो इसीलिए फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो भी वैसा ही है, दिमाला इज इंटरेस्टेड इन स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चरिंग, ये नहीं, दिस इज नॉट अ बायस स्केच, ठीक है। इट इज ऑल अबाउट योर वर्क, योर वर्क एथिक्स, योर लीडरशिप या जो भी तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो यही सब है इसमें केवल। तुम इसको रहने दो, ठीक है, एक अलग से लिखो एंड यू कैन जस्ट हैव वर्ड विथ एनीवन एल्स आल्सो, और दोनों को दिखा के फिर आप अपने हिसाब से कर लो, क्योंकि बिल्कुल अलग है, ठीक है, मतलब जो तुमने लिखा है बिल्कुल अलग है, विच वी डोंट सजेस्ट एक्चुअली। ये बिल्कुल सही तरीके से लिखा है तुमने। सर मुझे ये समझना था कि जो ये कोर्स जो मैंने केपीएमजी और बाकी जगह से किए हैं उसमें क्या लिख सकते हैं, मतलब क्या मुझे लर्निंग मिली? नहीं, ये लर्निंग अगर कोर्स है तो इसको मत लिखो, इसको फिर उसमें लिखो, अपने बायस्केच में डाल दो जो तुमने कोर्स किया है, ठीक है। इसमें तो वर्क रिलेटेड है ना, तो वर्क को वर्क के रिस्पेक्ट में लिखोगे, हालांकि लर्निंग वाला भी जैसे वर्कशॉप वगैरह था कि क्या था ये? फुल टाइम कोर्स था ये केपीएमजी का। तो ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो, मतलब इसको हटाओ मत, ठीक है, ठीक है। ये वो ठीक है, और इसमें से अगर तुम कुछ कम कर सकते हो तो कर दो, अगर कोई इरेलेवेंट सा लग रहा हो तो। सो रिक्रूटमेंट डाल दिया, फिर मैंने क्या रिजल्ट आया वो डाला, फिर स्टेक होल्डर मैनेजमेंट रिवॉर्ड्स में भी मैंने क्या चेंज लेकर आए। बेसिकली आई वांटेड टू शो कि मैंने चेंज मैनेजमेंट किया है एंड आई हैव आल्सो बीन अवार्डेड फॉर दैट, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शो। ठीक है, इसको रहने दे सकती हूं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मेन बायो स्केच में तुम्हें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, और जो तुम्हारा वाइड स्कोर्स है ना उसको छोटा करना पड़ेगा, यू नीड टू ब्रिंग इट मतलब अराउंड 300, नॉट मोर देन दैट। ठीक है सर, आई विल वर्क ऑन इट एंड बाय 8:30 आई विल कनेक्ट बैक विद यू, क्योंकि नो अगर पढ़े नहीं ना तो हमारा सारा एफर्ट खराब हो जाएगा। एंड व्हेन यू हैव एनीथिंग इन योर माइंड तो पूछने पे तो तुम बता ही दोगे, मतलब अगर somebody asks you, why do you want to pursue this course? है ना, तो जब आप इतना बड़ा लिख रखे हो तो दैट मीन्स इट इज इंटरनाइज्ड बाय यू, है ना, तो तुम बता तो दोगे ना अच्छे से, तो एटलीस्ट ये रहे कि पढ़े तो वो समझ जाए। तो हमें ये भी समझना चाहिए कि दे आर प्रोफेसर, सो दे नो व्हाट दे आर आस्किंग एंड दे विल आल्सो मेक इट आउट फ्रॉम जस्ट टू लाइंस ऑफ योर्स कि क्या तुम लिख रखे हो, ठीक है। सर बस एक लास्ट चीज था, जैसे वो जो स्टार्टिंग ओपनिंग लाइन जो है सर व्हाई दिस कोर्स का, आई वाज कैन इट बी लाइक मेड अप इन अ डिफरेंट वे, बिकॉज़ पर्सनली बिलीव दैट आई हैड द ट्रेट्स ऑफ एन एचआर कंसीडरिंग द मेराड प्रोफेशनल एसोसिएशन एंड पीपल फेसिंग एक्टिविटीज, मतलब मुझे नहीं लगता कि इसको कोई बहुत एडवांटेज तुमको मिलता है इस लाइन से और इस तरह की लाइन से, बिकॉज एनीवे professor tends to ignore any peripheral thing that you write,
उनको बिल्कुल काम काम से मतलब रखते हैं वो लोग पढ़ते हुए, ठीक है, बट लिख सकती हो क्योंकि तुमको अगर अच्छा लिखना है, अच्छा बनाना है तो तुम्हें पेरिफेरल डालना ही पड़ता है, क्योंकि डिजाइन जो है वो कोर एलिमेंट से नहीं होता, वो बाहर के पेरिफेरल एलिमेंट से ही डिजाइन अच्छा या बुरा होता है। For the starting of the background that you were saying ki, that you need to mention about your background, just the starting of the para main kaise karu, that's what I was mujhe aur kuch aaya nahi raha. Maine kya likha tha? God, maine wo change kar diya na sir. To maine jo likha tha wo itna acha likh diya tha, wo ekdam straight forward tha, pata nahi kaise. You had said that ki I took up the role of, I took up HR profile just after my post graduation in microbiology. हाँ तो ऐसे ही शुरू हो गया, वो तो वहीं से interest बन जाता है ना, यहाँ तुमने कहानी शुरू कर दिया। Okay. अब मैं यहाँ से अगर पढ़ना शुरू करूँगा तो I personally believe that I had, देखो I'm not telling you have written bad, ठीक है, बहुत अच्छा लिखा है तुमने, but see with the perspective of professors or the person who is reading it, है ना, अगर तो मैं interview ले रहा हूँ और मैं पढ़ूंगा तो I won't give you any point for that. I personally believe that I had the traits of an HR considering the myriad of professional associations and people facing activities I was involved in. During the final year of my post-graduation, I had a dilemma whether to remain cooped up in a lab, which could be stifling for me or switch to a career more in line with my personality. When I was nearing at the end of, ये पूरा हमको कोई मतलब it doesn't make sense to me, it will make sense to you of course, it's your life, है ना, what you see about yourself is like this way, for me you are just an student, ठीक है, so I'll be more interested in that, that you have master degree in microbiology and then you took HR. अच्छा उसको रहने देती ना, उसको हटा क्यों दिया, मुझे ये नहीं समझ आता, हम इतना अच्छा लिख के रखे तुम्हारे लिए, मेहनत करके लिखे और तुमने हटा दिया उसको, फिर दो पैराग्राफ का जगह छोड़ दिया था मैंने कि वहां से लिख देना, और तुमने उसी को चेंज कर दिया, वो दो पैराग्राफ वैसे ही रहने दिया है, ये मैंने देखो ये दो पैराग्राफ लिखा था ना उसके बाद कि वो एक पैराग्राफ हो गया, इसको दो को कंप्लीट कर देना, ऐसा क्यों किया तुमने? डाले हैं मैंने, बट हाँ वो जो इंट्रो पैरा है वो काफी लंबा हो चुका है, मतलब ये ठीक है डाला है लेकिन इसको डिलीट नहीं किया तुमने, उसी को क्यों खत्म कर दिया, मेरा रिस्पेक्ट नहीं रखी, नहीं नहीं सर ऐसा क्या बोल रहे, मैं ऐसे मजाक कर रहा हूँ, बट दैट वाज गुड, मैंने अच्छा लिखा था, मैं उस समय मैंने सोच के सही से लिखा था तुम्हारे लिए, और किसी का है कुछ?